नारियल के ऊंचे और हरे पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सीतानगर। आबादी 1500, यहां 300 परिवार रहते हैं और 1000 जिम्मेदार नागरिक हैं जो वोट करते हैं। ये गांव भले ही छोटा हो लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि इस गांव पर देवी माँ की असीम कृपा है। जिस किसी के विवाह में कोई बाधाएं आती हैं, वो इस पवित्र त्रिशूल की पूजा करते हैं। गांव वालों का मानना है कि ऐसा करने से विवाह जल्द संपन्न हो जाता है, पर इस गांव के एक परिवार के लिए उनकी किस्मत बदलना इतना सरल नहीं है। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। गांव की औरतों के जेवर हों या सरपंच के हाथ की अंगूठी, अगर सोने की बनी है तो वो इन्होंने ही बनाई होगी। लोगों को इनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। उनका एक बेटा था और एक बहू थी। 25 साल पहले वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। उनके 3 पोते हैं, उनमें से 2 इतने बड़े डफर और निकम्मे हैं कि उनके पास राशन कार्ड के सिवाय और कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मोबाइल खरीदने के लिए उतना काफी होता है, और ऑनलाइन जुए की एप्स में तो जिंदगी बर्बाद करने का कूपन कोड पहले से ही मौजूद होता है। बड़े भैया, इस सब्जी में और क्या डालूं? क्या डालेगा, तिल डाल। बड़े दिल वाला आइडिया अच्छा है, ये दिल। अरे मम्मी, हरा दिया रे। मैंने तिल डालने के लिए कहा था, दिल नहीं। आज बादशाह फिर गुलाम बन गया। नहीं तो क्या, रोज रोज हार के तुम लोग थकते नहीं हो क्या? अरे पनौती तेरी वजह से हार रहे भाग। अरे जाओ यार, मेरे पैदा होने के पहले से ही हार रहे हो। सोना पिघलाने वाले बर्तन को किसी ने देखा है क्या? ये ले झिंगुर, वैसे भी दाल को तड़का लगा दिया। सोना पिघलाने वाले बर्तन में कोई तड़का लगाता है क्या? खाली दिमाग इस्तेमाल किया करो। चुप कर, गेट आउट हो जा। आयन किए हुए शर्ट पहनने लायक इस घर में सिर्फ एक आदमी है, उसका नाम है भवानी प्रसाद। गांव की ग्रामीण बैंक में काम करता है और अपने दादा का गहने बनाने में हाथ भी बटाता है। इसे अपनी शादी की बहुत चिंता है, क्योंकि इसके 2 बड़े भाई अब तक कुंवारे हैं। सबसे छोटा है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पर उठा ली है। बड़े भैया, हाँ। दे रहे हो, 5 स्टार में खाऊं? ये ले तेरा टिफिन। क्या है? चिकन चटपटा, दाल तड़का और मसाला भिंडी। भिंडी में नमक ज्यादा है, खाना मत। चुपचाप फूंक मार। सुनना, 500 रुपया देना मुझे। पैसा मांगते इतना गुस्सा क्यों होता है? मुझे जुआ नहीं खेलना है, दवा दारू के लिए चाहिए। अरे मैं फिट हूँ, खेत में कीड़े लगे उसके लिए चाहिए। ए बड़े भैया, हाँ। इस बार 2 जोकर मिले, लाइफ सेट हो जाएगी। बस इस बार रानी चाहिए। तुम और तुम्हारा गेम दोनों एक जैसे हैं। दोनों जोकर हो, उधार लेते हो, और रानी चाहिए जो कभी नहीं मिलेगी। छी, जुआ जिंदगी बन गई है तुम दोनों की। माना ग्राहक भगवान के समान होते हैं, लेकिन ये कैसे भगवान जो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं? मुझे बड़े साहब के सामने शांति से खड़ा होना है, मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके सामने। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी जिंदगी झंड है, ऐसी हरकतें करोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। अरे वो आपसे बात नहीं करी, पति से बात कर रही। ममता जी, पति को बाद में कोस लेना, पहले कस्टमर के पैसे दे दो। कहिए सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे अकाउंट से पैसे निकालने हैं। पैसे तुम्हारे बाप के? मुझे पता है तुम पैसे कहाँ उड़ाओगे। कितने पैसे चाहिए सर? 5000 रुपए। बीवी यहाँ सारा दिन मेहनत करती है और तुम पैसे जुआ खेलने में उड़ा देते हो। जुआ खेलने में, और वो भी मैं? अरे वो आपसे बात नहीं कर रही, अपने पति से बात कर रही है। आ गए बेटा, चाय पी के जाना। नहीं दादी, आज बहुत लेट हो गया हूँ, 1 घंटे में आता हूँ। सरकारी बैंक वालों को देर करने की आदत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? काएगा गुड मॉर्निंग, 1 घंटा लेट आयो। काम हो जाएगा सर, क्यों टेंशन लेते हैं? ए, कस्टमर वेट कर रहा है। अच्छा बेटा, अब तू भी सुनाएगा। okay, काम हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। बोलिए, क्या मदद करूँ? प्रसाद, जरा बताओ तो, इस झुमके के बदले कितना लोन मिलेगा? लेकिन सिर्फ एक ही झुमका क्यों लाए हो, दूसरा कहाँ है? मेरी बीवी के कान में एक ही छेद है, दूसरा नहीं है। तू अपना काम कर। एक बात बता, मुझे क्यों लग रहा है कि ये झुमका लक्ष्मी का है? मेरी बीवी का है। एक बचाऊं क्या, उसने मुझे ये पॉलिश करने दिया था। ये बता, तुझे पड़ा हुआ मिला या चोरी किया? सच में मेरी बीवी का है। ए तन्मय, फोन उठा और पुलिस को फोन कर। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ। रुक, रुक बे। अरे मैं जा रहा हूँ। चुवारी कहीं के। मैनेजर सर, सुवर्णा जी आ गई। हाँ मुझे पता है, वो आती है तो दिल के धड़कन की रिदम बढ़ जाती है। हाय मिस्टर मैनेजर, आज आप अपना ट्रीटमेंट करवाने नहीं आए? हाँ मेरी तबीयत खराब है, कल आता हूँ। अबे देख, फिर से पिघल रहा है वो।
तुम यहाँ क्यों आई थी? अरे कहा था ना मैंने फंक्शन के लिए गहने लेने हैं। मुझे याद आया आओ मेरे साथ। चाबी तेरे पास है, लॉकर खोलना है। सर ये लॉकर रूम है, कोई शॉपर स्टॉप नहीं। वो हर फंक्शन के लिए यहाँ से गहने ले जाती है और आप दे देते हैं। अगर कभी बैंक का इंस्पेक्शन हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? वो सोना लेके भागने थोड़ी वाली है, उसे किसी की शादी में पहनना होगा। इमरजेंसी हुई तो यहाँ 30 मिनट में पहुँच जाएगी। घर वाली गहने लेकर भागती है, ये तो फिर भी पराई है। वो सब मैं देख लूंगा। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम भी चलो ना मेरे साथ फंक्शन में। आप दे लेके आ जाऊंगा। बाय। हाय। यार एक बात बताओ, कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ बिठा दिया? एकदम फुल प्रूफ प्लान है, यहाँ भूत प्रेत के अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पूरे गांव में पुलिस आती है लेकिन मुर्दे अपराध नहीं करते ना, इसलिए इधर बैठे हैं। क्या बकवास पत्ते बांटता है यार। अरे मेरी बीवी का फोन है। हेलो डार्लिंग। कहाँ मर रहे हो? मंदिर में। मंदिर में तो घंटी बजाओ। क्या करूँ, अब घंटी बजाऊँ क्या? बज गई, सुना ना तुमने? हाँ सुन लिया मैंने। बचा लिया। मान गए। अरे 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 पुलिस आ रही है। क्या हो रहा है? सर मेरा भाई था सर, नारियल उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा लेकिन नीचे आने के बजाय ऊपर गया। इसका घर वाला कोई यहाँ नहीं आया? सर उसका थोबड़ा राक्षस जैसा था, जीते जी उसको कोई मिलता नहीं था। मरने के बाद इसको कौन देखने आएगा? बेचारे शोक मना रहे हैं। चलो चलते हैं। क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। आज का स्कोर है 26-7-19। ये तो आज की डेट है। हाँ सर। पी राजेश 118। कन्ना बाबू 87। श्रेणु 187। मुझे यकीन है यहाँ कुछ ना कुछ गोलमाल है। चलो चलकर पूछते हैं, ये खाते हैं कि खाते का हिसाब बताते हैं। चलो इसको काट देते हैं। साहब जी आप वापस क्यों आ गए? कुछ खास नहीं, सरकार की एक स्कीम है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसका अंतिम संस्कार पुलिस वाले करते हैं। अच्छा इसमें पैसे वैसे मिलेंगे क्या? पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन फ्री में तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ए पेट्रोल छिड़को उस पर। नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, घास लेट से जलाना इसको। नहीं 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 पेट्रोल की बात है। अरे पेट्रोल ही है। मत बनने का, भूत बनेगा, भूत बनेगा। आपको आपको डराएगा आपको। ये बन गया, भूत बन गया। आग बुझा दी, अब हम सब मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे। ओके ए बर्थडे की तैयारी करो। अरे वाह, इसने तो केक खाने से पहले ही मुंह बंद कर लिया। चल अब बोल गिफ्ट में क्या चाहिए। सोचा था तुम्हारी शादी करवा दूंगा, घर में बहू आएगी तो वो तुम्हें सुधार देगी। क्या दादाजी, ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा जो कब्रिस्तान में जुआ खेलता है? ना इनकी शादी होगी ना मेरी होगी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं शादी कर ही लूंगा। मैंने तो कहा था इन दोनों को अनाथ आश्रम छोड़ाओ, पता नहीं इन दोनों को क्यों गोद ले रखा है। ए फूंक मार, नहीं तो तेरी हवा निकाल दूंगा। फाइट ज्यादा। शादी करना चाहते हो? कौन करेगा तुमसे? मैंने भी शादी की थी लेकिन आज तक भुगत रही हूँ। किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम मंदिर का घंटा है, हर कोई बजा रहा है। बिल्कुल सही कहा, कोई खास काम? छोटा सा काम था, ये ना 200 ग्राम सोना है, मैंने अपने पति से छुपा के रखा था। वो याद है खजाना एड में इस हीरोइन ने ऐसी लंबी चेन पहनी थी, मुझे भी ना ऐसी हीरोइन दिखना है, तो तुम लंबी सी चेन बना। समझ गया समझ गया, तुम हीरोइन दिखना चाहती हो, काम हो जाएगा। क्या तुम इसे दिवाली तक बना दोगे? ना दिवाली तक क्यों रुकना है, दशहरे पे आ जाओ। हाँ। देखना बहुत सुंदर लगेगा। सुंदर लड़कियों की लाइन लगी है कहाँ इस घर के कुंवारे मर्द। नमस्कार। नमस्कार। ए प्रसाद बेटा जरा मेरे पास आओ।
सुनो, बगल वाले गांव से एक रिश्ता आया है, अगर तुम हाँ करते हो तो रविवार को मंगनी और सोमवार को शादी करके सुहागरात। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा काम है, शनिवार तक भाइयों की शादी करवा दो, रविवार को मेरी। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका रिश्ता भी नहीं ढूंढने वाला, आप किसी और पंडित को देख लो। अरे पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कितनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता लाया था, यहाँ कौन नहीं जानता इसके भाई कितने बड़े जुआरी हैं। पंडित जी आप उनके लिए कोई तो रिश्ता ले आइए। अरे भाई जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं 10,000 का कमीशन दूंगा। नारायण जी इन दोनों की शादी अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ एक ही है पूरे गांव में। मैं ज्यादा बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, पर बेटी हर काम में माहिर है, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सारे काम आते हैं बेटिया को। हमारे शीनू भैया भी किसी से कम थोड़ी ना है, एक नंबर के जुआरी है, तीन पत्ती बोलो, रम्मी बोलो, इनके आगे बड़े खिलाड़ी भी पानी कम चाय है। भिंडी कोट भी बोल। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया। ये क्या बोल रहे हो? वो हमारे चावल की क्वालिटी है ना, उसके नाम है। अरे चश्मा क्यों चाहिए? इसके बिना मैं कैसे देखूंगी? पर इससे तेरा मुंह नहीं दिखता, और लड़का पसंद नहीं आया तो सुहागरात के दिन पहले ही चश्मा उतार देना। ठीक से देख लेना, सामने जो सफेद कुर्ते में बैठा है ना, वही लड़का है। बड़े भैया इसको बोलते हैं बदसूरत बादशाह की सुंदर रानी, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। जरा ठीक से देख लो बेटी, तुम्हें मेरा पोता पसंद है? ये कितने हैंसम है, मुझे ये पसंद है। ये क्या बोल रही है? सच में दादाजी मुझे लड़की पसंद है। वाह बढ़िया, हम सबको इनकी बेटी बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है, अगले रविवार ही सगाई कर देते हैं, सारे परिवार वालों से जान पहचान भी हो जाएगी, अच्छा मुहूर्त देख के शादी कर देंगे। बहुत बढ़िया है। तो ठीक है हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आप कृपा बनाए रखना। हाँ, अरे आप आ गए, आपने कहा था आप नहीं पहुंच पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल हो गई तो सोचा चलता हूँ। ये लड़की के मामा है। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। भैया ये लड़का है। ये है। नमस्ते अंकल। माफ करना भाई। इधर आओ, कुछ बात करनी है। क्यों क्या बात है? एक और दरवाजा मुँह पे बंद हो गया, लोग शादी से पहले कुंडली देखते हैं, शीनू भैया का तो पुलिस रिकॉर्ड ही काफी है। अरे लेकिन इतनी देर क्यों हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ हाँ बताएंगे। आज मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है, हमारा प्यारा ये देवी माँ का मंदिर कुछ ही दिनों में सरकार की निगरानी में जाने वाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब से सरकारी लोग यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स का आयोजन करेंगे, गांव वालों को इस मंदिर के लिए ना चंदा इकट्ठा करना होगा ना ही इसकी देखभाल करनी होगी, इसकी सफाई से लेकर मरम्मत तक सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये तो गलत है ना, इस मंदिर की स्थापना की हमने, इतने सालों से देखभाल की हमने, यहाँ पूजा हो या मेला सब किया हम लोगों ने, और अचानक सरकार इस पर अपना हक क्यों जता रही है, क्या मतलब इसका? हाँ ये बात सही है कि हमने इस मंदिर की जी जान से सेवा की है, अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, तो इस मंदिर की सेवा करने वाले हमारी बात आखिर है को? और तो और अगर हम ये मंदिर सरकार को सौंप दें तो उन्होंने एक स्कूल, हॉस्पिटल और पानी की टंकी बनाने का वादा किया है। मुझे लगता है कि ये मंदिर सरकार को सौंप देना एक अच्छा। ये इनका पहला स्ट्रोक था, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका दूसरा स्ट्रोक सीवियर हो सकता है। मेरे ख्याल से इन्हें किसी बात की टेंशन है, मैं इन्हें 2 दिन में डिस्चार्ज कर दूंगा, फिर आप इन्हें घर ले जाइए। बोला था इतना काम मत करो, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही कहाँ है, देखो अब क्या हो गया। तुम दोनों की वजह से हुआ, कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई है, इसलिए दद्दू इतने परेशान रहते हैं। प्रसाद बेटा, इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें बाहर जाने के लिए कहो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे करोड़ों की जायदाद पड़ी हो, एक फूटी कौड़ी नहीं है। चले भाई चल, सब अपने नाम पे करवा ले। दद्दू कुछ मत बोलिए, आप दवाई लीजिए और आराम कीजिए। सुन
बाईपास रोड के पास हमारी 2 एकड़ जमीन है। मैं जानता हूँ बाईपास रोड पे जमीन है, कोर्ट केस भी चल रहा है। आप शांति से सोइए ना, आप टेंशन मत लीजिए दद्दू। प्रसाद मुझे बोलने दो, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा वक्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज से 26 साल पहले, तुम्हारे पैदा होने के ठीक 2 महीने पहले, उन दिनों तुम्हारे पापा और मैं इस गांव के सोनार हुआ करते थे। तुम तभी अपनी माँ के पेट में ही थे। पता है उस वक्त ग्राम पंचायत ने मंदिर के पैसों से 1000 ग्राम सोना खरीद के हमें सौंपा था। हमारे गांव की देवी के लिए हार और मुकुट बनाने के लिए वो सोना हमें दिया गया था। बेटा, हमारे लिए ये देवी के आशीर्वाद से कम नहीं था। लेकिन अगले ही दिन जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनके सिर पर गहरी चोट आई है, अगर उनकी जान बचानी है तो उन्हें हैदराबाद ले जाना होगा। बस बिना देर किए मैं तुरंत उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उनका इलाज करना है तो उसमें काफी पैसे लग जाएंगे। मैं तुम्हारे माँ बाप को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, लेकिन तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, ना ही कोई उधार देने के लिए राजी हुआ। आखिरकार हताश होकर मैं देवी माँ के पास पहुंचा और फिर मैंने मंदिर का सोना बेचकर हॉस्पिटल का बिल भरा। डॉक्टर्स ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। ऑपरेशन करके किसी तरह उन्होंने तुम्हें बचा लिया, फिर मुझे सौंप दिया। तुम्हारे और तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ मैं इस गांव में आ गया। अचानक तुम तीनों को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन बेटा, वो दिन आ ही गया जब मुझे मंदिर के गहने लौटाने थे। मैं नहीं जानता था उनसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा था, इसलिए मैंने देवी माँ से माफी मांगी और उन्हें नकली सोने के जेवर बना दिए। नकली सोना मंदिर में ले जाते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे। मैं जानता था मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने नकली सोना पंचायत को सौंप दिया। सबको लगा कि सोना असली है और सबने मेरी कारीगरी की तारीफ की। जब वो देवी माँ को नकली सोने के गहने पहना रहे थे, मैं चीख कर उन्हें रोकना चाहता था, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। इतना बड़ा पाप करके मैं उस मंदिर में नहीं रुक सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं दद्दू? पिछले 26 सालों से देवी माँ ने नकली गहने पहने हुए? हाँ बेटा। छब्बीस साल पहले जब ये पापी उस मंदिर से निकला, आज तक वहां वापस कदम नहीं रखा। मैं देवी माँ के सामने नहीं जा सकता, उनसे आंखें नहीं मिला सकता। मैंने ठान लिया था कि मैं असली सोने के गहने बनाऊंगा, इसलिए मैंने मेहनत की और किसी तरह 200 ग्राम सोना खरीद भी लिया था। पर तुम्हारे वो भाई सारा सोना जुए में गवा बैठे। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं एक बहुत बड़ा धोखेबाज हूं, तो मैं शर्म के मारे अपनी जान दे दूंगा। ये देवी माँ का श्राप है, इसलिए आज तक एक भी लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर नहीं आई। तेरे भाइयों के साथ साथ मुझे तेरी शादी की भी चिंता है। तो अब हम क्या करें? मुझे मेरी गलती सुधारनी होगी। देवी माँ को असली सोना चढ़ाना होगा। सुन सुन बेटा, मरने से पहले एक बार मैं देवी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए, मैं रास्ता निकालता हूँ। ये क्या बोल रहे तू? क्या बोल रहा है? देवी माँ को नकली सोना चढ़ाया गया था? तुझे नहीं लगता किसी को इस बात की भनक लगी होगी? पता नहीं। मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं हर रोज सुबह यहां से ऑफिस जाता था, पर जब से पता चला है ऐसा लग रहा है दादाजी के साथ मैं भी इस पाप में शामिल हूं।
मुझे असली सोने के जेवर बनाने ही होंगे। अरे पर कैसे करेगा, एक महीने में 1000 ग्राम सोना, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ए, सरकारी लोग यहाँ आ चुके हैं, शायद एस्टिमेशन निकाल चुके हैं। मैं आज उसी सोने की वजह से जिंदा हूँ, वरना इस दुनिया में नहीं होता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं अपने दादा से भी बड़ा पापी हूँ, इसीलिए मुझे कहीं से भी असली सोने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। देवी माँ, मैं सोना लाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, आप मेरे घर पर आकर क्यों नहीं रहती? रहने दो, मैं जानती हूँ तू मुझे घर पर क्यों बुला रही हो। तेरी नजर कंगन पर है, मैं तेरे भाई के साथ रह लूंगी, जा तू अपना घर चला। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, ऊपर जाने के बाद वो कंगन तो मेरे ही होंगे। चल जा आई बड़ी, मुझे रहना ही नहीं है तेरे घर पे। मैं वकील साहब से मिलके आ रहा हूँ, हमारी जमीन छुड़ाने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। सोचा था उसे बेचकर सोना ले आऊंगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक और आइडिया है। हाँ बोलो। नकली सोना बैंक को देके बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं, तुझे आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बैंक में गोल्ड लोन सैंक्शन तू ही तो करता है। कोई फायदा नहीं, हमारी बैंक 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं करती। साथ मेरा लोन का काम तो हो जाएगा ना, तब आऊं पैसे लेने। हां बुधवार को आना, बस रुक दे। ठीक है चल जा। प्रसाद मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। क्यों क्या हुआ? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या? तुझे तो पता ही है ना अपना मैनेजर क्या करता है, किसी और के गहने सुवर्णा को देता रहता है और सुवर्णा 3-4 दिनों में उसे वापस लौटा देती है। तो? अरे मैं ये कह रहा हूँ, बैंक में कई लोगों ने आकर अपना सोना गिरवी रखा है, हम उसका इस्तेमाल करके देवी माँ के गहने बना देंगे। पहले सुन ले, 6 महीने में तुझे तेरी जमीन मिल जाएगी, तू उसे तुरंत बेच देना और उसके बाद सारा सोना वापस लॉकर में रख देना। अबे पागल है क्या, मेरी नौकरी जाएगी। अगर सरकार को पता चला तो तेरे पूरे परिवार को खतरा है। पक्का पांडु 10 ग्राम, पथलू नारायण 30 ग्राम। ए, ये देख, राजू नागराज बगल वाले गांव से। तूने जानता है क्या? बहुत अच्छे से। 800 ग्राम सोना है, 5 साल से गिरवी है, हर महीने ब्याज भरता है और हर साल 31 मार्च को लोन फिर से रिन्यू करता है। और ये देख, इसने 9% ब्याज पे सरकारी लोन भी लिया है ताकि वो लोन आगे किसी और को 12% पर चिपकाए, ये कभी नहीं निकलने वाला। आजा। चला जा, आजा, आजा। ये तो सिर्फ 1000 ग्राम है, अभी भी 200 ग्राम कम है। अरे मैं अपने घर से लाकर दे दूंगा तुझे, पहले तू जेवर बनाना शुरू कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल लाइट बंद करता हूँ। प्रसाद, तूने मेरी चेन बनाई क्या? कल सोना पिघला दूंगा, 10 दिन में मिल जाएगी ना। क्या हुआ दीदी, क्या बात है? अरे मैंने ना प्रसाद को 200 ग्राम सोना दिया था चेन बनवाने के लिए। प्रसाद तो इसमें माहिर है। 200 ग्राम का जुगाड़ हो गया। चल 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 चल। दद्दू अंदर आओ। दद्दू गमछा आगे कीजिए, जल्दी कीजिए ना। लेकिन ये तो गलत है। आप टेंशन मत लीजिए, ये एक किस्म का लोन ही है, हमारी जमीन वापस मिलते ही हम ये सोना बैंक को लौटा देंगे। लेकिन आप तुरंत काम शुरू कर दीजिए, उन दोनों के हाथ में ना लगे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, दाने खाओ तंदुरुस्त बन जाओ। आहा, आहा।
खाओ 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 हाँ खाओ तंदुरुस्त बन जाओ। ये क्या अरे ये क्या कर रहा है नालायक? दिवाली है क्या? इतने सारे दाने क्यों खिला रहा है इन मुर्गियों को? इन्हें खुला छोड़ दे, खेत में जाकर खा के आ जाएंगी। पिछली बार ना 20 मुर्गियां खुला छोड़ा था, 19 वापस आई थी। ऐसा क्या? किसी ने एक मुर्गी चुरा ली। नमस्ते राजू नागराज जी। पैसे है तो पास आकर बात करो ना। उधार की पूरी रकम लेकर आए हो ना? और मेरा ब्याज? आपके उधार से मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं और ज्यादा ब्याज नहीं भर सकता हूँ। मैंने आपके पास मुर्गा गिरवी रखा है ना, इसीलिए मेरी बीवी रोज मुझे कोसती है। मैं उसकी और पपक नहीं सुन सकता। ये लीजिए, आपको 400 रुपए ब्याज के साथ दे रहा हूँ, मेरा मुर्गा मुझे वापस दो। ए रुक जा, जल्दी क्या है, पहले स्पीड पोस्ट में था क्या? इसने उधार तो ब्याज समेत चुका दिया, पर मेरा 500 रुपए का नुकसान कौन चुकाएगा? नुकसान? कैसा नुकसान हुआ? देखो भोलू, तुम मेरे पास आए और मुझसे 300 रुपए उधार मांगे और कहा कि उसके बदले में मैं ये मुर्गा छोड़कर जाता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए क्योंकि मुझे इस मुर्गे पर पूरा भरोसा था। इसे शरीफ समझकर घर में बांध कर नहीं रखा, खुला छोड़ दिया। लेकिन ये मुर्गा तो क्विकगन मुर्गन निकला। इसने मेरी मुर्गी पर बुरी नजर डाली, उसे छेड़ा, उसके साथ जबरदस्ती की, मेरी मुर्गी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस सब का नतीजा 11 अंडे और 9 बच्चे। अगर 11 अंडे थे तो 9 बच्चे कैसे हो सकते? दो की भुर्जी बनाकर खा गया। ए चुप कर, अब तुम अपना मुर्गा वापस ले जाना चाहते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि अब मेरी मुर्गी अपने पति के बगैर कैसे जिंदा रहेगी? बाकी मुर्गियाँ मेरी मुर्गी से कहेगी कि तेरा पति 2 महीने भी तेरी पकपक नहीं झेल पाया। तो एक काम कर, तू अपना ये मुर्गा, मेरी मुर्गी और सारे बच्चे ले जा, सिर्फ 3000 में। 3000 रुपए? ना तो मुझे मेरा मुर्गा वापस चाहिए और ना नाजायज बच्चे, उन्हें तुम ही पालो। छीछी, कंजूसी की भी हद होती है। बेचारा अपना मुर्गा लेने वापस आया, दिया क्यों नहीं? बस दिन भर मैं सफाई करती रहूं। तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती है? दे रही होती तो अभी तक मेरे गले में एक सोने का हार होता। कहने तो बैंक में गिरवी रख के आए हो। उसे गिरवी रख कर मैंने 25% ब्याज पर बैंक से लोन लिया है, उसी पे 10% चढ़ाकर आगे लोगों को उधार देता हूँ, समझी? मेरे पुरखों ने ये बंगला गाड़ी सब पाई पाई जोड़कर उसी तरह बनाया और मैं भी बनाऊंगा। तो अपनी बेटी को सिंगापुर नकली गहने देकर विदा करोगे? लड़के वाले सिंगापुर से आ रहे, मैं तो भूल ही गया, अब तक आए क्यों नहीं? क्या अंकल, सुना है कनक का रिश्ता सिंगापुर की पार्टी के साथ कर रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोचा? बेटा नरसिम्हा, ऐसा है कि मेरी बेटी को चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक, और तू है कोई मिल गया वाला ऋतिक जिसे अब तक जादू भी नहीं मिला। मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे दुनिया घुमाए, गाँव की गलियों में आवारा गर्दी करने वाले से नहीं। आंटी से शादी करने से पहले आप भी फटीचरी थे, मम्मी ने बताया मुझे। कनक का रिश्ता किसी और से कैसे होता है, मैं भी देख लेता हूँ। देखा तुमने, इससे कौन शादी करेगा? हे बिल्लू, वैसे इस वक्त लक्ष्मी है कहाँ? लक्ष्मी, तुम गाने की धुन पकड़ ही नहीं पा रही हो, नींद आ रही है क्या? लगता है दीदी सपनों की दुनिया में है मास्टर। क्या ये सच है महालक्ष्मी? जी गुरुजी, लड़का सिंगापुर का है। क्या बात है, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा, मुझे पक्का यकीन है। लगभग फिक्स हो ही चुकी है, मैं तो उनकी फोटोज भी देखकर उसे लाइक कर चुकी हूँ। सिंगापुर से फ्लाइट में बैठकर वो उड़कर यहाँ आएंगे, फॉर्मेलिटीज करेंगे और फिर मुझे लेकर चले जाएंगे। लक्ष्मी, तुम्हारा फोन है। ओ, अमेरिका से कॉल आ रहा है गुरुजी, बस एक मिनट, नेहा का कॉल है। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ है तू? क्लास में हूँ, डांस प्रैक्टिस चल रही है। सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, लड़का कहाँ से है बता तू? सिंगापुर, फ्लाइट से आ रहा है। सिंगापुर? वो तो एकदम छोटा सा देश है, अपने गांव से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। खैर, अमेरिका से बड़ा कोई देश भी नहीं होगा। सबकी किस्मत में मेरे पति जैसा एनआरआई का रिश्ता तो नहीं होता ना। एक बात बताओ, कल जब से मैं बाथरूम में फिसल कर गिरी हूँ ना, मेरे पति ने मुझे एक भी काम करने नहीं दिया। लगता है तू सुधरी नहीं है, अभी भी गिरी हुई हरकतें ही करती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया था। शायद दूध उबल गया है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ, बाद में कॉल। बाय, जल कुकड़ी कहेंगी। बोलती है सिंगापुर गाँव जैसा है। हाँ जरा सुनिए। जी बोलिए सर। ये जेवर इस महीने की 18 तारीख को नीलाम होंगे, अखबारों में नोटिस दे दो। ठीक है, दे दूंगा सर।
नागराज जी आए हैं, अब क्या करें? कान खोल कर सुन लो। अरे नागराज जी, सात बजे से पहले मेरे पैसे सूद समेत मिल जाने चाहिए, समझ गए? नमस्कार नागराज जी, कैसे हो मैनेजर साहब? काफी दिनों बाद दर्शन दिए, ब्याज भरने आए हैं? अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं सोना लेने आया हूँ। अच्छा, सोना, अब क्या करें? ये तो बहुत अच्छी खबर है, ये लड़का कहाँ का है और क्या करता है? सिंगापुर शिपिंग यार्ड में है, मैनेजर है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। क्या बात है। सुनो प्रसाद, नमस्कार। नागराज जी अपना सोना लेने आए, पैसा ले लेना ब्याज के साथ और उनका सोना दे देना। सर आप 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक है। क्या रे, 200 लोगों में तुझे इसी के जेवर चुराने थे? मुझे थोड़ी ना पता था ये आज टपक पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर किया, फिर भी मुसीबत गले पड़ गई है, इसका सोना कहाँ से लाएं? अब क्या करें? तू उन्हें 10 मिनट चाय कॉफी पिलाकर बिजी रख, मैं घर जाकर सोना लेकर आता हूँ। ठीक है। सोना पिघला दिया? हाँ आज शुभ दिन है इसलिए। तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। आप पिघलाइए। अब क्या करूं? अरे कछुए के बारातियों, आधा घंटा हो गया, आ रहा है या नहीं? आ ही रहा होगा। अरे तू खाली हाथ वापस आ गया? अरे मैं क्या करूं, रुक। अभी तक तूने मेरे पैसे लेकर गिने तक नहीं है, और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट सर। हाँ। यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ। ये कर क्या रहा है? अफसोस की बात है। हाँ। इतने सालों बाद सोना वापस लेने आए हैं। अफसोस की बात क्यों है भाई, बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूं। आपने साइन कर दिया ना, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे बताओ तो, इस सोमवार को सोना जमा करके आपको पूरे 5 साल हो जाएंगे। हाँ तो हमारी बैंक कस्टमर को साल की 18% की सब्सिडी दे रही है, और 5 साल ब्याज भर रहा हो तो उसे 25,000 रुपए देंगे। 25,000? हाँ जी। सच्ची? आप सोमवार को वापस आइए, 25,000 आपके अकाउंट में। तो सोमवार से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। आपकी बेटी की शादी का क्या? लालच बुरी बला है मालिक। चुप कर बेवकूफ गधे, मेरी बेटी की शादी सोमवार शाम को ही है, तब तक सोना क्या शोकेस में रखना है? यहीं रहने दो। तो आप चाहते हैं मैं रिक्वेस्ट कैंसिल करूं? नोटिस बोर्ड पर लिख दूं क्या? कैंसिल कर दो। सुन बिल्लू, सोमवार सुबह यहाँ वापस आएंगे, 25,000 है, चिल्लर नहीं है। सुनिए मालिक, एक बार मैनेजर से मिल लेते हैं। हाँ मैनेजर से मिल लेते हैं। आपने उन्हें कहा तो वो मुझे डांटेंगे, मेरी नौकरी जा सकती है ना। मैनेजर तो एक नंबर का कमीना है। नहीं नहीं, उससे नहीं मिलेंगे, सीधे घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। चलो। मैं तो डर गया था यार, अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सोमवार को बेटी की शादी है, ठीक है तो सोमवार को आकर ले जाऊंगा। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ? सुन, तू नागराज के गांव में किसी केबल नानी नाम के बंदे को जानता है? जानता हूँ, क्यों? नागराज की बेटी की शादी सिंगापुर के किसी लड़के से हो रही है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या जानना है उनके बारे में? दरअसल मैं उनकी शादी तोड़ना चाहता हूँ। पर तुझे ऐसा क्यों करना है? ये पाप है। पाप करने की आदत हो गई है, यही तरीका है नागराज को 6 महीने तक बैंक से दूर रखने का, और कोई चारा नहीं है यार। हाँ बोल विशाल। हाँ आज ही सिंगापुर से आया हूँ शादी करने के लिए। तेरी भाभी कैसी है? क्या लड़की है यार, आंखों के भवे से लेके पैर के नाखून तक पूरी ब्यूटीफुल है यार। हाँ परी नंबर 1। हाँ मैं तो हाँ बोलने ही वाला हूँ। हाँ ठीक है चल रखता हूँ बाय। क्यों रे, सिंगापुर में शॉपिंग नहीं की यहाँ कर रहा है? डैड आप कब बड़े होंगे, जैसा देश वैसा भेस। वैसे भी मुझे लोकल कपड़े और लोकल लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें देखकर हर कन्वर्ट हो जाता है जन्मों जन्मों के सच्चे प्यार में। आइंदा ये बच्चों जैसे सवाल मत करना, गुस्सा आ जाएगा। ये कैसा लग रहा है? इस कलर में वहाँ पर एक अच्छा लगा था मुझे। सुनो यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो बिल क्या मेरा बाप भरेगा? भरेगा तो नहीं लेकिन काउंटर तक ले जाएगा। ये काउंटर नहीं क्या? हाँ। ये लाइन किसकी है?
हेलो, क्या बताऊं अब तुझे, तू तो जानता है मैं और कनक 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। उसने अभी कनक का नाम लिया ना, कैसी बातें कर रहा है तू, कनक नाम का और भी होगा। सुन, वही कनक जो नागराज की बेटी है, उसका बाप मेरी लाइफ में विलन बनकर बैठा है, उसकी शादी किसी और से करवा रहा है। पापा, इसने नागराज का भी नाम लिया। नागराज नाम के हजारों लोग होंगे, ये किसी और की बात कर रहा है। नागराज इतना कॉमन नाम नहीं है, वो तो राजू है। सुन, अब आगे चल। हाँ, वो हैदराबाद के पास रहता है, लेकिन मुझे बर्बाद कर देंगे। हैदराबाद के पास बहुत से गांव हैं, ये किसी और गांव से होंगे। ये बंदा अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहा है, पहले इसे हटाना होगा। लड़का कौन है, सिंगापुर से कोई है क्या? उल्लू संतोष नाम है ना उसका, और उसका बाप कौन है, सुबारा हो, तू जानता है, जिसका बेटा उसे सिंगापुर से डॉलर भेजता है और वो जाकर राजलक्ष्मी पर पैसे उड़ाता है। डर की कहीं का। अब सब समझ गया, जब राजलक्ष्मी के साथ होते तो बोलते सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। नहीं बेटा, जरा सुन, कल सुबह 8 बजे कनक ने मुझे डांस क्लास के पास बुलाया, कह रही थी आगे का प्लान उसने लिख कर रखा है, कल वो लेटर देगी। बाय। डांस क्लास कल सुबह 8 बजे, कबाब में हड्डी बनना ही पड़ेगा, आपको तो बाद में देखता हूँ। बिल बना दो सर। चूहा दिख रहा हूँ क्या, बिल बना रहा। ये लो, मजनू तो रेडी बैठा है। भवानी प्रसाद। जरूर कनक लक्ष्मी का फोन होगा। हेलो, हाँ बोलिए। वो मुझे एक लेटर मिला है, उसपे आपका ही नंबर लिखा हुआ था। आपने वो किसी को दिया तो नहीं, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे वो अर्जेंटली चाहिए। हाँ तो आप एक काम कीजिए, पुरुषोत्तमपट्टनम डांस क्लास आ जाइए, मैं आपको ये वहीं दे दूंगी। हाँ ठीक है। हेलो, अरे प्रसाद, अपना प्लान तो सुपर डुपर हिट निकला रहे, वो लेटर लेके तेरे पास आ रही है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो एक पीली कलर की स्कूटी चला रही थी। ये येलो डर्टी फेलो निकली। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी का मेरा योग आ गया लगता है, अब सब्र नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या आपने ही मुझे फोन किया था? अच्छा, वो आप ही थे। ये लेटर मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो लव लेटर दे दिया। इसका बाप तो कह रहा था बहुत ही भोली लड़की है, डांस और घर के सिवा कहीं नहीं जाती। ये देखो, यहाँ पर प्यार बांटने खुले हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो गया। सुनिए, हेलो, हेलो, हाँ कनक से लेटर ले लिया है, उसने मुझे बता दिया आगे का प्लान क्या है, साथ मिलकर बात करते हैं। मेरे प्यारे प्रसाद, मैं तुम्हारी अपनी कनक तुम्हें तहे दिल से खत लिख रही हूँ। छोटी पेन से लिखा और बोलती दिल से लिखा है। मुझे लगा था मैं तुम्हें भुला दूंगी प्रसाद, पर आम के बागीचे में जादू की झप्पी देना, झरनों में नाई थोई करना और उन क्रेजी सेल्फीज में कैद हमारा प्यार मैं भुला नहीं सकती। क्रेजी सेल्फीज क्या होती है, कहीं ऐसा तो नहीं सेल्फी के लिए कैमरे में मुंह डालते हैं? ए, सीधा हो। यो मम्मी बचाओ, मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस सिंगापुर के संतोष के साथ करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी उससे शादी करके सिंगापुर चली जाती हूँ, उसके साथ कुछ दिन रहकर उसका भरोसा जीत लूंगी, फिर तुम्हारे लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूंगी मेरे ही पैसों से। जब संतोष काम पर जाएगा तो तुम घर पे आ जाना, हम दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। घर बसा नहीं और लुटेरा पहले ही आ गया, सोचा था भारतीय नारी शरीफ होती है, पर इसके आगे तो पूरा विश्व शर्मा जाए। लूज कैरेक्टर। और अगर कभी उसे हमारे बारे में पता चल गया तो मैं उसकी चाय में नींद की गोली मिला दूंगी, और जैसे ही वो सो जाएगा मैं आऊंगी रॉड लेकर। रॉड लेकर उसका भेजा उड़ा देंगे। तुम दोनों की हाइट बॉडी वैसे भी काफी मिलती जुलती है, प्लास्टिक सर्जरी करके तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखने लगोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिंपल।
सिंबल, मम्मी बचाओ। सिंगापुर लैंड होते ही मैं उसे तुरंत नहीं मार सकती, एक महीना तो रुकना पड़ेगा। जो भी हो आखिर है तो मेरा पति ना, एक भारतीय स्त्री हूँ, शादी का फर्ज तो निभाऊंगी, ये बोल अफेयर का फर्ज निभा रही है। वो मरेगा तो हम मिलेंगे। ये लेटर पढ़ने के बाद इसे फाड़ के फेंक देना, हमारा पवित्र रिश्ता छुपा होना चाहिए। चालू चंटाल लड़की है, मैं सिंगापुर जाके दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमा कर आया हूँ कि कम से कम शक्ल देख के ना सही तो कोई मेरा बैंक बैलेंस देख कर ही मुझसे शादी कर ले। पर तुम लड़कियों की लालच ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। झूठा प्रोफाइल, झूठा मेकअप, झूठी लड़की। डैड को फोन लगा। पापा बोल रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पूरे देश में आपको सिर्फ यही लड़की मिली थी? अरे ज्यादा शक मत कर, फूल जैसी ताजी और कोमल लड़की है वो। फूल जैसी? तो जरा बताइए मुझे कांटों वाले पौधे की तरह क्यों चुभ रही है? ये नहीं हो सकता। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों फेंक रही है सारी चीजें? शांत हो जाओ बेटी। वो सिंगापुर वाला लड़का मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उससे जवाब मांगने वाला था, लेकिन वो लगातार बार बार एक ही चीज कहता रहा। क्या कहा उसने? नालायक कमीने, तूने बेटी पैदा की है या क्रिमिनल पैदा की है, ऐसा कहा। ऐसा कहा? हाँ और नहीं तो क्या। अरे अरे मर गया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, अच्छा हुआ आप आ गए, इसे कुछ नहीं हुआ। सब गिरवी रखी हुई चीजें हैं, ले जाए इसे। दीदी ये सारे रिश्ते बेकार हैं, इसमें मत पड़िए। इस बार मैं इम्पोर्टेड अमेरिका से रिश्ता लाया हूँ। लड़के के नाम पर 4-5 बंगलोज हैं, फुल्ली फर्निश्ड। दरअसल वो क्लासिकल डांस का दीवाना है, इसलिए उसकी शर्त है कि लड़की को क्लासिकल डांस आना चाहिए। सच कह रहे हैं? हाँ ट्रंप की कसम। वो 10 दिनों में ही इंडिया आने वाला है, बस 2-4 गानों में नाच कर उसे रिझा लेना, फिर चट मंगनी पट ब्याह, इंडिया में तुम्हारी शादी होगी और तुम अमेरिका के लिए फुर। अमेरिका? पापा मेरी तरफ से तो हाँ है। हाँ बस बेटा हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ नहीं नहीं रोना नहीं रोना नहीं, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, बस 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? प्रसाद प्रसाद। हाँ? अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा तेरा। अरे इतना क्या अर्जेंट है? अरे मेरे पास आप बताता हूँ, 1 मिनट। जरा 2 मिनट। क्या हुआ? राजू नागराज की बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है, लड़के वाले उससे जल्दी मिलने आ रहे हैं। अमेरिका से इतनी जल्दी रिश्ता आ गया, अब क्या करें? नहीं चल जाकर देखते हैं। अरे प्रसाद भाई एक ही कान में क्यों किया, दूसरा क्यों छोड़ दिया? ये कौन से स्टैंडर्ड में है? पहली क्लास में। दूसरी क्लास में दोनों कान का होगा। ए तू चल ना। अरे यार कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे चुप ना, किडनैप नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप बैठ। साहब आपकी चाय। तू मुझे वापस नागराज के गांव में ले आया है, कहीं तो इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? मैं रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ, रिश्ता जोड़ने आया हूँ। मतलब? जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल उसी के लिए फुदक रहा है, सुबह शाम रात हर सांस में है उसकी बात, मेरे पास बात करने के लिए और बात ही नहीं है। इस उम्र में ऐसे प्यार के फवारे फूटना आम बात है, पर क्या तेरे पास अभी प्यार के लिए पापड़ बेलने का टाइम है? निकालना पड़ेगा, लड़कियों को पैसों से पटाना पड़ता है और रईसी दिखानी पड़ती है। हाँ। वो अंधेरी की खोली के बजाय अमेरिका जाना पसंद करेगी। हाँ, उसको भी तो अमेरिका जाना है, तभी तो मैं नाटक करूंगा। हाँ। फॉरेन में जॉब लग गई है कहकर पटा लूंगा, फिर मुझे कोई रिश्ता तोड़ना नहीं पड़ेगा और नागराज और उसके सोने का कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो तुझसे पट जाएगी? तू मुझे कम समझता है, उसे पटाना चुटकी बजाने जितना आसान है। ए देख देख वहां देख वो आ रही है। सुन लगता है ऊपर वाला भी तेरे इस प्लान में तेरा साथ दे रहा है, लड़की तकलीफ में है, मौके में चौका मार, जा जा जा। रुके लगता है आपकी आंख में कचरा गया है, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे मौके पर रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, लाइए आप खुद ही कर लीजिए। चल रहा है, पागल हो गया क्या तुम? हट यहाँ से। तूने देखा मैंने भलाई की और वो भड़क गई? अरे क्या करता है तू, तूने अपने मुंह पे लगी मिर्ची इसी से पूछी थी। अबे यार तू उसे क्या पटाएगा? अरे चल उसके पीछे चल। नाम? कनक महालक्ष्मी। गोत्र? जय मुनि। भगवान जी आपने नेहा को सिर्फ 6 हफ्तों में एक अच्छा अमेरिकन लड़का दिलवा दिया,
और मैं आपके मंदिर में 5 महीनों से आ रही हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिंगापुर वाला लड़का आया था वो भी भाग गया। मुझे ना अपना वादा याद है, आज मैं मंदिर की 108 बार परिक्रमा करूंगी। आप बस ये ध्यान रखना कि उस लड़के को मैं पसंद आ जाऊं और हाँ मेरा डांस भी पसंद आए। भगवान जी मैं भी चाहता हूँ इसकी ख्वाहिशें पूरी हों, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सौ एक हो गए भगवान जी, अब 102। अरे ये क्या, धूप की वजह से उसके पैर जल रहे हैं। मुझे किसी तरह उसके पैरों को जलने से रोकना होगा। अब देख मैं कैसे उसके पैर ठंडे करता हूँ। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे पैर जला दिया तुमने, पागल गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने खाना बनाने के लिए पानी गर्म किया था, उसे लात मार के गिरा दिया। ये गर्म पानी था? बस भी कर, पता नहीं कौन था वो अंधा जिसकी वजह से तुम्हारे पांव जल गए। अगर फिर से वो पागल दिख गया ना, मुंह तोड़ दूंगी उसका। कल तूने उसके आंख पैर जला दिए, आज क्या जलाने वाला है? अरे चुप कर यार, कल जो गलती हुई उसके लिए सॉरी बोलने जा रहा हूँ। तेरी हरकतों से लग नहीं रहा है कि तू सॉरी तक पहुँच पाएगा, धीरे चला, कहीं गाड़ी ठोक मत देना। अबे बस कर। ए पिस्ता आइसक्रीम, क्या मस्त चेन पहने। देख देख ये लोग भाभी को छेड़ रहे हैं। अरे वो, अरे क्या हुआ मैडम? मेरी चेन लेकर भाग गया। ए! मैं उनका पीछा करता हूँ। अरे अरे प्रसाद रुक, तो बड़ा आ गया बड़ा भाई। अरे ये कहाँ से आ गया? चल बोलो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ दे प्रसाद। ये गहरा तालाब है, आपने इसे धक्का क्यों मारा? उसे तैरना नहीं आता और मुझे भी तैरना नहीं आता। अच्छा आपको आता है? नहीं तो आप इतनी खूबसूरत, आपको तैरना आना चाहिए। डांस कर लेती हो, तैरना नहीं आता? कोई भी रिश्ते के लिए आता है तो पूछता है डांस आता है या नहीं, स्विमिंग के लिए कोई नहीं पूछता है इसलिए। अच्छा प्रसाद सुन, वेंकटेश ने जो सोना गिरवी रखा है उसकी रसीद तेरी जेब में है। थैंक गॉड। भगवान जी बस एक बार वो ठीक हो गया ना तो मैं रोज आपके मंदिर आऊंगी। वहाँ उसकी जान लेने के बाद यहाँ उसके प्राणों की भीख मांग रही हो, उसे कुछ हो जाता तो? सॉरी भैया। अगर डॉक्टर ने भी आईसीयू से बाहर निकलकर सॉरी कह दिया तो सोचा है क्या करोगी? एक्सक्यूज मी, पक्का सॉरी कहने आया है? अब वो खतरे से बाहर है, बस थोड़ा पानी ज्यादा पी गए थे। तो ठीक है ना? मुझे माफ कर देना, वो उसके हाथ में चाकू था ना इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। हाँ लेकिन तुम चोर को भी धक्का दे सकती थी। उस टाइम पे सूझा ही नहीं। मुझे भी नहीं सूझा था, तुम्हारी आंख में कचरा गया तो मैंने तुम्हें रुमाल दिया था पर तुम्हारी आंख जलने लगी थी। मैंने तो बस तुम्हारी मदद करनी चाही थी पर सब कुछ गड़बड़ हो गई, मैं क्या करता। सो सॉरी, तुम्हें गलत समझकर तुम पर चिल्लाने के लिए। एक मिनट रुको, इंटरनेशनल कॉल है। हाँ?
हेलो हेलो वेंकटेश बोल रहा हूँ, मैं बैंक पहुँच गया। क्या कहा? जमुनी बैंक से? अरे मैं ग्रामीण बैंक में खड़ा हूँ 2 लाख रुपए लेकर। 2 लाख सैलरी है? नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं पर लंदन बैंक मुझे 5 लाख पाउंड दे रही है। 5 लाख? बस वीजा का इंतजार है, ऑफर रिजेक्टेड बाय। तुम फॉरेन जाने वाले हो क्या? हाँ। और बैंक में क्या काम करते हो तुम? पता है फॉरेनर्स कभी सोना क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो भी समझदार है, वो लोग अपना सोना तुम्हारे पापा की तरह बैंक में रखते हैं। मैं उनके सोने के बराबर लोन सैंक्शन करता हूँ। सच्ची? तो क्या तुम वहीं सेटल होने वाले हो? हाँ पर अकेले नहीं, मैं पहले यहाँ शादी करूँगा और अपनी बीवी के साथ हनीमून जाऊँगा फिर सेटल होऊंगा। ये कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। ठीक है तो मिलते हैं सीधे लंदन में। नहीं नहीं पहले यही मिलते हैं, लोखंड वाला मार्केट। हाँ देवी माँ के जेवर तैयार हो गए। तुमने मेरे दिल से एक बहुत ही बड़ा बोझ निकाल दिया बेटा। मुझे डर था कि देवी माँ को उनके आभूषण लौटाने से पहले मुझे कुछ हो न जाए। आप इतना बुरा मत मानिए, आपने जो किया मेरे लिए किया है। सरकारी लोग कल नकली सोना पॉलिश करने के लिए भेजेंगे, मैं वहां असली रख दूंगा। मैं खुद जाकर देवी माँ को उनके आभूषण लौटाऊंगा, उनके सामने झुककर दिल से क्षमा मांग लूंगा। हाँ आप ही गहने पहनाना, अभी आराम कीजिए, जाइए। आज नींद आएगी, जरूर आएगी। 26 साल से मैं इस बोझ के साथ जी रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा तत्तू। अरे प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद। क्या हुआ तत्तू? अरे गहने गायब हो गए। क्या गहने गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? अरे प्रसाद, अरे प्रसाद, दद्दू गहने तो सही सलामत है। नहीं ये गहने नहीं, मंदिर के गहने। मंदिर के गहने? सर ये लीजिए चाय। चाय नहीं पानी लेके आया। ठीक है। ना किसी ने ताला तोड़ा है ना जोर जबरदस्ती की गई है, इसका मतलब अपराधी इसी गांव का है। सर डॉग्स तैयार हैं, बताइए उन्हें अंदर लेकर आऊं? नहीं नहीं ये एक मंदिर है, बाहर ही रखो। सर मंदिर की चाबी पुजारी के पास होती है और यही हमारा सस्पेक्ट भी है। पंडित जी शुरू हो जाइए, जो भी यहाँ हुआ सब बताइए। देवी माँ की कसम खा के कहता हूँ, इतना घिनौना काम मैं कभी नहीं कर सकता हूँ साहब। तो क्या ताला अपने आप खुल गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, चाबी मेरे पास ही थी। सर आपका पानी। संतूर साबुन, इसका मतलब पंडित जी को पता चलता उससे पहले ही कोई उनकी चाबी का डुप्लीकेट चाबी बनाकर आ गया, क्योंकि साबुन की मदद से ऐसा किया जा सकता है। अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर तो बहुत ही चालाक लग रहा है। राजा बाबूजी जी, कौन कौन से जेवर चोरी हुए हैं? करीब करीब 200 ग्राम का कमरबंद था, 300 ग्राम का मुकुट था और अरे आप आ गए, आइए ना आप ही आकर बताइए कौन कौन से जेवर थे। चलिए। वो 200 ग्राम का कमरबंद था, 300 ग्राम का एक मुकुट था
और 100 ग्राम के 100 ग्राम के कंगन थे, 300 ग्राम का हार था, कान की बाली और नथ वगैरह कुल मिलाकर 1000 ग्राम था। ये कौन है? देवी के जेवर इन्होंने ही बनाए थे, गांव के सुनार हैं, जेवर पॉलिश भी यही करते हैं। मैं इनका पोता हूँ, मैं ग्रामीण बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और ये दोनों मेरे भाई हैं। मैंने इन दोनों को पहले भी कहीं देखा है। ये बहुत बड़े जुआरी हैं सर। ये क्या सर, आपका शक हमारे गांव वालों पर ही क्यों है? बगल के गांव वाले भी तो हो सकते हैं। और नहीं तो क्या, ऐसी चोरी मेरे जीते जी तो इस गांव में कभी नहीं हुई है। ए चुप बैठो, तुम्हें लगता है तुम्हारे गांव वाले दूध के धुले? लेकिन जब पुलिस ढूंढती है ना, तब सबके असली रंग बाहर आ जाते हैं। चोरे हुए अब तक 5 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। सोना अब तक इस गांव में ही है, आसपास के सारे गांव वाले अभी यही हैं। वेंकट सर, हमारी एक टीम भेजो, हर घर में छानबीन करो, एक भी घर छोड़ना नहीं। जाओ कांस्टेबल्स मेरे साथ आओ। यस सर। रुक जाओ, एक भी आदमी यहां से हिलेगा नहीं। सुन, असली जेवर घर में पड़े हैं, अब क्या करें? तो घर जाकर उन्हें छुपा दे, जल्दी कर। ठीक है। ए, कहाँ जा रहा है? नंबर एक। एक घंटा रोक के रख। सर, पूरा गांव छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। संभल कर। सब देवी की पूजा करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसीलिए मैंने भी प्रार्थना की है कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मैं उसे 15 दिनों का टाइम देता हूँ सरेंडर करने के लिए, वरना हम उसे घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। और इस साल देवी माँ के उत्सव के दौरान मैं देवी माँ को उसकी बलि चढ़ाऊंगा। सर, सर ये टॉर्च मिला है सर। वेंकट जी सर, इसे लैब में भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों को जो फिंगरप्रिंट्स उस टॉर्च पर मिले थे, हमने उसे आधार कार्ड के साथ वेरीफाई कर लिया है सर। ये फिंगरप्रिंट्स इस आदमी के हैं सर। ये कौन है? इसका नाम रमना है, छोटा मोटा चोर है सर, अब तक 70 चोरियां कर चुका है। ज्यादातर बूढ़े लोगों से, बच्चों से या प्रेग्नेंट औरतों से लूटपाट करता है। ऐसा क्यों? ताकि वो उसे पकड़ ना सके। लेकिन इस चिंदी चोर में मंदिर का खजाना चुराने की हिम्मत कहां से आई? जरूर किसी ना किसी ने इसकी मदद की है। ये सोना बेचने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे? कम से कम 30 से 35 लाख तो मिलेंगे। क्या 35 लाख रुपए? क्या बात कर रहा है? ये सोना बेचकर सीधा बैंकॉक की फ्लाइट पकड़ेंगे, और फ्लाइट लैंड होते ही थाई मसाज। इसका मतलब हमारी जिंदगी अब सेट हो जाएगी भाई। हेलो। अरे रमणा, यहाँ पुलिस ने हर जगह तेरे फोटो लगा रखे हैं। क्या कहा, पुलिस ने मेरे फोटो लगा रखे? अरे यार सर, तू नहीं कुछ गड़बड़ की होगी। अरे भाई बताना यार, अब क्या करना चाहिए? बचा ले भाई। एक काम कर, मेरे साथ चल।
ये देख वो आदमी जिसने मंदिर से चोरी की थी। अब तो पुलिस इसे आराम से पकड़ लेगी। क्या बात है, आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो तुम तो। मशीन की स्पीड से नेकलेस को बना रहे हो, ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी है। किसके लिए बना रहे हो ये? एक खास इंसान। अरे बता दो ना, भाभी के लिए बना रहे हो। तुम्हारे चेहरे की लाली बता रही है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। अब चुप कर और जाकर फोन देख। अरे किसी एंगल का फोन है। अरे एंगल का नहीं, एंजल का है। तू जाके पॉलिश करके आ जा। कर दिया था ये वाला भी कर दिया है। जा इसे ठीक करके ला। मैं समझ गया, अगले 30 मिनट तक तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। हेलो हाय, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहा है इतनी हड़बड़ी में? मोची के पास चप्पल सिलवाने। ये तो नई चप्पल लग रही है। तोड़कर कहाँ सिलवा दो? अभी तोड़कर कहा मतलब? जैसे तुम लोगों से मैं भी रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही। ऐसे हम जाने देंगे तुझे? तुम्हारी फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग कहाँ तक पहुँची है? वीजा मिल चुका है, पासपोर्ट तो मेरे पास है ही, लेकिन वहाँ का मौसम ठंडा और रोमांटिक है ना, तो अकेले जाने से अच्छा है कि किसी के साथ चला जाऊँ। कभी छोटे भाई को इस तरह से शर्माते हुए या बात करते हुए देखा है? हमारी वजह से शर्मिंदा होते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो किसी लड़की से बात कर रहा है, उसे प्यार हो गया। प्यार हो गया है? सिर्फ एक पैर में चप्पल पहन के जा रहा है। टांग काट दोगे तब भी पता नहीं चलेगा। तुम दोनों बस छोटी बहू को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। क्या करें, शादी बड़ों की बर्बादी। रुको रुको, हाय कनक लक्ष्मी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन तुम्हारा गला बहुत ही सुना लग रहा है। ओह, उस चेन की बात कर रहे हो, लगता है उस बारे में अब तक भूले नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी चेन वापस लानी थी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उस चोर को पकड़ लिया है। इतना रिस्क क्यों लिया, उसने तुम्हें पीटा तो नहीं ना? वो मुझे क्या पीटेगा, बचपन से मैं जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग टीवी पे देखते आया हूँ। कॉलर घसीट के पुलिस स्टेशन छोड़ आया। लेकिन ये चेन मेरी चेन जैसी तो नहीं है। पकड़े गए? हाँ तो तुम्हारी चेन कैसी हो सकती है? हाँ मैंने थोड़ी मरम्मत की, इसे पॉलिश किया और बदले में प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें पसंद हूँ, मतलब तुम्हें चेन पसंद आई? अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, पुलिस ने इसे छोड़ दिया क्या? किसे? ये रखो। ये क्या है? ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या है ये? खूबसूरत हो पर लगता है पैसे नहीं है, नकली सोना पहनती हो, शर्म नहीं आती? ए, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, चिंदी चोर कहीं का? तुम्हारे चक्कर में हमने इतनी मार खाई और हमें मिला क्या, नकली सोना? नकली सोना? हम चोरों पर रहम खाओ और असली सोना पहनकर बाहर निकला करो। बताना चाहिए था नकली सोने की चेन थी। तभी तो तुम्हें इतना बोल रही थी कि रिस्क मत लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बड़ा शौक था हीरो बनने का, तो मैं क्या करूं? लेकिन तुम चेन चेन चिल्ला रही थी। हाँ तो पूरे 250 रुपए की चेन ली है, चिल्लाना तो बनता है। बाप रे इतनी महंगी थी क्या? एक मिनट, तुमने मुझसे झूठ कहा ना कि तुम उसे पुलिस के हवाले करके आए हो। बोलो क्यों किया ऐसा? मेरा मतलब उसका दोस्त था ना दूसरा। तुम ही रख लो। सुनो ना, 24 कैरेट की लड़की पर नकली चेन बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने उसका पीछा किया था और चेन भी बनवाई थी। सुनो ना, अब प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। हेलो सुनो मेरी। मुझे मैचिंग सेट्स बहुत पसंद है, इस चेन के साथ मैचिंग बालियां लेकर आना, फिर पहन लूंगी। भाई मेरी प्रॉब्लम है कि जब मैं पिया हुआ रहता हूँ मेरी बीबी मुझे पास में आने ही नहीं देती। तू ऐसा सोच ही मत कि तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सोच कि तेरे पास 2 बीवियां हैं, दिन में घरवाली के साथ रहे, रात को जन्नत वाली। ये चमक चलो आंटी कौन है रे, कितनी प्यारी है। मुझे तो यही चाहिए, यही। पीछे से तो एकदम माल लग रही है भाई। भरी दोपहर में सपना दिखा के चली गई। कहाँ गई? अरे इतने में किधर चली गई, ये सपना है या हकीकत? खराब हो गया, कहाँ चली गई? मुझे चढ़ तो नहीं गई, उतर गई मेरी। एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ।
अरे इधर आ जल्दी। बोल बोल बोल। ये क्या पूरी बोतल? अरे ये भी दिन में ही चढ़ा रही है। ये भाई ये खाने पीने की शौकीन लगती है, इसके साथ दारू पियूंगा ना तो बीवी का टेंशन हट जाएगा। मैं जाके बात करता हूँ। पक्का करेगा? ये क्या चाहिए तुम दोनों को? देख सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं दारू ये सोडा सोडा तो बन जा हमारा चखना, मजा ही आ जाएगा। अरे चल जाने भाई। अरे छोड़ो मुझे, जंतु ने तुमने गलत लड़की को जन्म दिया है। जाना मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। दारू दारू ये चल रही है। लोगों को शर्म नहीं आती? पराई औरत को बीच सड़क पर छेड़ रहे हो तुम लोग? अरे दो किलोमीटर से हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो सीधे जाकर तेरे गले पड़ रही है, तुझसे आकर चिपक रही है, हमें भाव तक नहीं दे रही है। इतनी शान पति मत कर मुझसे, तो निकल हम इसे देखते हैं। चीची शराब पीकर लड़की को छेड़ते हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे ओ हीरो, 68 रुपए की एक क्वार्टर लेकर हम दोनों ने आपस में बांट के पिए। अरे हमारे एक क्वार्टर के सामने इसने दो बियर की बोतल एक झटके में उतार दी। अरे शर्म तो इसे आनी चाहिए। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे। सही बोल रही हो। प्रसाद ध्यान से देख, ये वही है, वही जिसने जेवर चुराए थे। जाने मत देना इसे, रुक रुक। अरे पहले मंदिर के जेवर लूटे, अब लड़की बनकर घूम रहा है, जेवर कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं जाने दो मुझे। अबे जाता कहाँ है? सुन पुलिस स्टेशन ले चलते हैं, वहाँ सब उकलते हैं। फोन लगा। नहीं 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 नहीं, पुलिस के पास मत ले जाना, मैं बताता हूँ जेवर कहाँ है। हाँ बस रोक दो, वो वहाँ पर है। ये कब्रिस्तान में क्यों लेके आ गया? अरे इससे सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। आओ अरे नहीं वो मटका कहाँ गया? लगता है किसी ने चुरा लिया। सोना चुराने के बाद मटके के लिए रो रहा है। हाँ। मैंने जेवर मटके में छुपाए थे। हट, पूरा प्लान मिट्टी में मिला दिया। खैर कोई बात नहीं, मैंने गहने छुपा दिए हैं। तुझे यकीन है यहाँ सेफ रहेंगे? पता है ये कौन है? सत्य हरीश चंद्र। दुनिया में किसी पर भरोसा हो ना हो, लेकिन इन पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अब से यही हमारा सेफ्टी लॉकर है। कुछ वक्त गहनों को यही रहने दे। अगले 6 महीने तक न एक दूसरे की शक्ल देखेंगे और न ही बात करेंगे। पुलिस को हम पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। ए, चल झूठ मत बोल, सच बता। अरे यही सच है, मैं इसीलिए तो लड़की बना हुआ हूँ। किसी को तो पता नहीं है, जरूर तेरा पार्टनर होगा, उसे फोन लगा। चल कॉल कर। स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। 6 महीना फोन मत करना बोला और खुद सोना लेके भाग गया। धोखेबाज कहीं का। मैं उसे 15 दिनों का टाइम देता हूँ सरेंडर करने के लिए। तू उसे जानता है, तू मेरे साथ रहेगा। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है भाई, उसने मुझे भी धोखा दिया है, मेरे हाथ लगा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक है चलो। हाँ चलो। ओहो विकेट गिर जाए तो मजा आ जाए। अच्छा सुन, इस ओवर में 2 विकेट गिर जाएंगे, आप 500 लगा दे। अरे अब 2 ही बॉल बची है, तेरी किस्मत पता है ना तुझे? चुप्पी ली, चप्पल तोड़ी, चेन बनाई, वो भी इसके लिए। थूक तेरी चॉइस पर। हाँ? दूसरी विकेट गई, हम जीत गए हैं। अच्छा, वहाँ देख वहाँ। दद्दू ये कौन है बेटा? अभी तक आप समझे नहीं, ये आपकी होने वाली बहू है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगी। मुंह बंद कर वरना दांत तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है दद्दू, ये अनाथ है, अब बोल नहीं सकती और कुछ गुंडे इसके पीछे पड़े थे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। समझ गया, तभी तो तुमने बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारी है और इसे अब यहाँ अपने साथ सुरक्षित रखोगे, है ना? बस कर, इसके हट्टे कट्टे भाई है ना यहाँ पर। अरे टॉप टू बॉटम ख्याल रखेंगे इसका। भाई तू इसकी चिंता मत कर, इसे दिल की रानी से भी ज्यादा प्यार करेंगे। आइए मैं आपके लिए चाय और पकौड़े बनाता हूँ। क्या बोल रही है? इसका मतलब है इसे सिर्फ काली पसंद है। अच्छा मुझे भी, चलो मिलके खेलते हैं। इसका मतलब है इसे काली चाय पसंद है, ताश के काली पत्ते नहीं। जाओ जाकर चाय बनाओ।
चलो चाय को इसी पर उबाले। इस घर में तीन कुंवारे मर्द हैं, तो क्या इसका यहाँ रुकना ठीक रहेगा? वैसे ये बोल नहीं सकती, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है आ जाओ। अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरी भैंस उठाकर मैं अपने घर ले आऊंगा। चल रखता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा उधार लेने आया है तो गिरवी क्या रखेगा ये तो बता। कटरीना। कटरीना हा? तुझे ये किसने बता दिया कि मैं लड़कियों को गिरवी रख के पैसे देता हूँ? कटरीना लड़की नहीं, कटरीना तो वो तेरी मर गया। अरे अरे ये क्या, ये कटरीना है, अंदर रख इसे। तुझे ये किसने कह दिया कि सांप के बदले उधार मिलता है? अरे डॉलरों में बिकता ही है। क्यों, लोगों को डसवाने का शौक है? इसका जहर दवाइयों में इस्तेमाल होता है, 50,000 का रेट है, 50,000। सच में इसका जहर इतना महंगा होता है? अब वन विभाग में फोन करके पूछ लो। अरे सुन, मुझे एक छोटा सा डाउट था, क्या गारंटी है कि तेरा सांप वाकई जहरीला है? हाथ दीजिए, चेक करवाता हूँ। नहीं नहीं, इसके लिए मैंने एक निकम्मे को पाला है। ए निखट्टू, जरा यहाँ आना, कोई तेरा हाथ देखना चाहता है। अभी मैं जाले निकाल रहा हूँ। हाथ देखकर बताएगा तेरी शादी कब होगी? कल ही पंडित को दिखाया मैंने, कह रहे थे बहुत जल्द हो जाएगी। हो सकता है आज ही हो जाए। अच्छा देख लीजिए। वैक्सीन है क्या? इंजेक्शन से डर लगता है तो ऐसे दिला दिए। वैक्सीन नहीं है पगले, मुझे अभी अभी सांप ने काटा। सांप से कट गया। सांप है, अरे छोटा सा टेस्टिंग था, इतना क्या डर रहा है? मालिक मुझे पसीने छूट रहे, आप इसको दवाई देने के लिए कहिए ना। ए सुन मदारी, मान लिया तेरा सांप जहरीला है, अब दवाई देकर इसे ठीक कर दे। 1,000 लगे। 1,000 रुपए? हाँ मालिक। लेकिन इस निखट्टू की तनख्वाह तो सिर्फ 100 रुपए है, 50 में देगा क्या? मालिक मेरी जान बचाइए, क्या मोल भाव कर रहे हैं? दे दे भाई, दे दे ऊपर वाले के नाम। पहले मालिक की तिजोरी से पैसे लेके आ। छुड़ा कर कहाँ रखे थे? कहाँ रखे थे? याद आ गया। ले भाई दवाई दे। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो सांप ने काटा तब पता चला। मनी प्लांट उगा रहा था मालिक, तू दे भाई पैसे लेकर इसे दवाई दे, मैं अभी आया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक कैप्सूल काफी तेरे लिए। मेरी अपनी शादी भी नहीं हुई। मेरी भी नहीं हुई। सुन बे, ये ले 30,000 हैं, आज से तेरी कटरीना मेरे पास गिरवी रहेगी। 20 रुपया महीना ब्याज लूंगा। ये टोकरी इसे दे दे। ए निकट्टू पकड़ इसको, ध्यान रखना इसका ठीक से, रोज 2 चूहे 1 अंडा खिलाना। ये पूरे पैसे सूद समेत नहीं लौटाता, इस सांप की बच्चे की तरह देखभाल करना। मालिक की इतनी लालच बढ़ गई है कि सांप को भी साहब बना के रख रहे हैं, बहुत पछताएंगे। दोबारा कब आओगी? मैं कॉल करके बताऊंगी। बाय। हाय। क्या बात है सर, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो। सुना है सुवर्णा को किसी ने पसंद कर लिया? ना, वो कह रही थी दोस्त की शादी में जाना है। चलो अच्छा है, आपकी सेटिंग तो खराब नहीं हुई। सेटिंग तुमने मुझे समझ के रखा है? एक नंबर के धोखेबाज और लड़कीबाज हो तुम। ये लड़की भी ना हमेशा पति को कोसती, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे कोस रही है। चलो जाओ, आज भी लेट आए हो। उसके पास बहुत टाइम है। क्यों चाचा, इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, दिखता नहीं क्या जो अंगूठा लगा रहे हो? अबे घोंचू, अगर पढ़ पाते तो अंगूठा थोड़ी लगाते। हाँ ये भी सही है, पढ़ा लिखा गवार है तू। मुसीबत फिर से आ गई, कोई और नया रिश्ता ले आया क्या? जरा वो रसीद देना। ये रही। ये लो आपकी रसीद। आज गांव में एक फंक्शन है, उसमें घर की औरतों को जेवर पहनने हैं। 2 कंगन की जोड़ी, 2 हार हैं और हाँ एक चेन भी है। इतने गहने पहनकर जाना सेफ नहीं है। पति की बात घर में कोई सुनता है क्या? एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर घर की औरतें अपने आप की भी नहीं सुनती। मेरा ही नहीं, ये हाल सबका होता है शादी के बाद। सर जरा 2 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, अब क्या करें? किसी तरह आज इसे निपटा देते हैं। फुसफुसा क्या रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है। 2 मिनट मैं आता हूँ। हाँ
हेलो हेलो नागराज जी, मैं रमन बात कर रहा हूँ पड़ोस के गांव से। मैंने सुना है कि आप पुराना सामान गिरवी रखकर उधार देते हैं। हाँ देता हूँ 20% ब्याज पर, लेकिन कुछ गिरवी रखोगे तभी उधार मिलेगा। मुझे सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख चाहिए। कल आ जाना, घर आके ले जाना। अरे नहीं नहीं, कल मेरी बीवी वापस आ जाएगी, उसे मुझे सरप्राइज देना है। आप 22% ब्याज लगा दीजिए ना। आप इस वक्त कहाँ पर है, मैं आकर पैसे ले जाता हूँ। बाप रे, 22% ब्याज देगा, ये तो धर्म संकट हो गया। सुन भाई, अब मुझे जरा मास्टर की देना, लॉकर खुलना है। क्या हुआ सर, परेशान लग रहे हो? अरे यार, एक तरफ बीवी एक तरफ ब्याज। बीवी को जेवर पहन के गांव के फंक्शन में जाना है, लेकिन एक बंदे को मुझसे उधार चाहिए, वो भी 22% ब्याज पर। अब तुम ही बताओ बंधु, 22% ब्याज कोई कैसे छोड़ सकता है? तो ब्याज लो और प्याज काटने वाली को छोड़ दो। आप इस झंझट में ना फंसे, मेरे पास आइडिया है। अच्छा, जरा कोपचे में आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई चलिए। अम्मा दो चाय। हाँ हाँ लाई बेटा। अच्छा बताओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? वो क्या है ना, पिछली बार आपको 25,000 वाली स्कीम बताई थी तो मैनेजर साहब गुस्सा हो गए, इसलिए आपको यहाँ ले आया। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको ब्याज भी ना खोना पड़े और आंटी जी गुस्सा भी नहीं होगी। अच्छा कैसे? मेरी बहन के जेवर लॉकर में सड़ रहे हैं, आप उन्हें ले जाइए और मुझे वापस कर दीजिए। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर अपनी बीवी को कैसे मनाऊं? सर भारतीय नारी हमेशा अपने पति को टेस्ट किया करती है, वो बस टेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। बेटा अपनी बहन के गहनों के बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। अरे प्रसाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर ये गहने कहाँ ले जा रहे हो? मेरी पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा है बताओ? आप मजे मार रहे हैं और प्रॉब्लम हमें हो रही है। क्या बोल रहे हो प्रसाद? आपको क्या लगता है आज सुबह सुवर्णा किसके गहने ले गई हैं? नागराज जी के। अब उनको अपने गहनों में से कुछ गहने वापस चाहिए। हाँ लेकिन वो कुछ दिन पहले ही तो अपना सोना ले जाने आए थे, तब लेके नहीं गए क्या? तभी उन्हें फोन आया था कि लड़के वालों ने मना कर दिया है, इसलिए यहीं रखे थे। अब हम क्या करेंगे, सुवर्णा भी कल से मेरा फोन नहीं उठा रही है। अब प्रसाद तुम एक काम करो, रामचंद्र राव जी के गहने लॉकर नंबर 18 में रखे हैं। हाँ हाँ। वो राजू नागराज जी को दे दो और मुझे बचा लो प्लीज प्रसाद। जी ठीक है सर। ये लीजिए गहने, फंक्शन पूरा होने पर लौटा दीजिए। तुम्हें देखकर मान लिया दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, जरूर दूंगा। ये लो 5 रुपए बेटा, मैं अपनी चाय के पैसे खुद दूंगा, चलो जल्दी घर पहुंचना है। फटीचर अमीर। पराई औरतों के पराए जेवर देखना बंद करो, किसकी साड़ी कितनी महंगी है ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी और के गहने उठाकर मुझे पहना दिए, आपकी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। नमस्ते। कितनी प्यारी लग रही हो। मैं यूं गया और यूं आया, चलो निखट्टू। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, शादी कब करनी है? मुझे साड़ी दे दो, मैं अभी शादी कर लूंगी। कितनी होशियार है, तुम पर बिल्कुल नहीं गई है। ये तो मेरे हार जैसा लग रहा है। आपने तो काफी लोगों को बुलाया है। भाभी ये कौन है? हमारी दूर की रिश्तेदार है। ये हार बहुत अच्छे हैं। ये मेरे हार जैसा है, कहाँ से खरीदे? ललिता ज्वेलर्स है ना, वहीं से खरीदे हैं मेरे पति ने। ए बेवड़े, मेरे जेवर कहाँ हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे गांव के बैंक में गिरवी रखे हुए मैंने। हाँ, बैठो, अच्छी लग रही हो। उस औरत के गले में मेरे जेवर क्यों दिख रहे हैं? कौन सी औरत के गले में? खुद अपनी आंखों से देख लो। हाँ बस आएंगे। मैं भी देख के आता हूँ, ये ले पकड़। अच्छा फंक्शन है। हाँ वो तो है, तैयारियाँ बढ़िया की है। काफी खर्चा किया होगा। अरे ये हार तो मेरी बीवी का ही है। प्रसाद मुझे सोना लेना है, कब खरीदना ठीक रहेगा? अभी मत लेना, 1 महीने बाद सोने का भाव कम होगा तब लेना। चलती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। अरे प्रसाद एक बात बता, जो जेवर मैंने तुझे बैंक में गिरवी रखने के लिए दिए थे वो कहाँ पर है? गिरवी रखे थे, लॉकर में ही होंगे। लॉकर में तो नहीं, एक फंक्शन में किसी औरत के गले में लटका हुआ देखा है मैंने। अरे बाप रे, लगता है दोनों एक ही फंक्शन में गए हैं। एक बार कोई चीज लॉकर में रख देते हैं तो बार बार नहीं खोलते। तो लॉकर से बाहर कैसे आया? मैं अभी जाकर चेक करता हूँ फिर तुझे बताता हूँ। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आके बता देता हूँ गहने आपके हैं या किसी और के हैं। हाँ अच्छा बच्चू, फोन काट दिया है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके आने से पहले मैं उस हार की फोटो खींच के रख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था वो। अच्छा मजा आया। इस फंक्शन को बाहर गार्डन में करने का आइडिया मुझे बहुत अच्छा। ये बंदर
फोन लेके पेड़ पे चढ़कर क्यों बैठा है? लगता है लेडीज के फोटो खींच रहा है। मेरी बीवी भी वही है। ऐसा ही हुआ था? अरे भाई तू खंबा बनके बीच में क्यों खड़ा हो गया? थोड़ा साइड में हो जा, मुझे फोटो खींचनी है। पहले ये बताओ किसकी फोटो ले रहे हो तुम? अरे वो मोटी औरत पीली साड़ी में बैठी है ना, उसी की फोटो खींच रहा हूँ। इस तरह लेडीज की फोटो लेना गलत है पता नहीं क्या? अरे मैं अपनी चीज की फोटो खींच रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी बीवी तेरी चीज कैसे हो गई? गलत मत समझिए, आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके गले में जो हार है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लगता है ये उस भवानी प्रसाद का जीजा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको जो चीज अच्छी लगे वो आपकी नहीं हो सकती। आज हार कल कहोगे मेरी बीवी आपकी है। अरे वो मैं क्यों कहूँगा, आपकी बीवी के गले में जो हार है वो मेरी बीवी का है। अरे क्या यार प्रसाद, अरे क्या कह रहे हैं, इधर आइए इधर आइए। अरे कुछ लेकर जा रहे हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, कल को कहेंगे इनकी बीवी आपकी बीवी है, आपको चश्मा बदलना चाहिए। लगता है आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बीवी भी यही कहती है। तो कुछ तो बदलिए, चश्मा या बीवी, क्या ये हो सकता है? क्या अदला बदली हो रही है यहाँ? बात ये है कि ये कह रहा है वो हमारे जेवर नहीं है। तेरा दिमाग तो ठीक है, ये वही हार है जिसके लिए मैं खुदकुशी करने वाली थी। क्या आप खुदकुशी करने वाली थी और फिर भी आपने ये हार खरीद कर दिया? अरे हाँ भाई, वो हार कभी नहीं भूल सकती, इन्होंने जिंदगी में एक ही तोहफा दिया है और आखिरी भी, और ये दुख भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा आपका फोन कौन सा है? सैमसंग। मुझे दीजिए। ये लो। ये लीजिए आपका फोन। अरे भाई ये मेरा कैसे हो सकता है? अरे ये भी तो सैमसंग का है। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ ये दोनों एक ही ब्रांड हो सकते हैं, पर तुम्हारा फोन मेरा कैसे हो सकता है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक जैसे दो फोन हो सकते हैं, फ्रिज हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक जैसे लोग भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं जब रास्ते से आ रहा था एक लड़की मुझे बिल्कुल आपकी तरह दिखी। मतलब क्या वो आपकी लड़की हुई क्या? आपकी सारी जायदाद आप उसके नाम कर देंगे? सुनिए वो नाग लक्ष्मी की बेटी थी ना? हाँ दीदी वही थी। आप सही कह रही हैं। देखा मैं जानती थी, मेरा शक बिल्कुल सही था, अब पूरे गांव को ये बात पता है। किसी दिन आकर हमसे हमारी जायदाद हड़प लेगी वो। आप तो घर आओ तब बताती हूँ मैं। अरे यार कमाल के आदमी हो, किसी और की बेटी मेरी बना दी। फोन दो और वहाँ जाकर रो जाओ, कीड़े पड़ेंगे। सुनिए ना, सबको ये हार बहुत पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, मैं रख लूं क्या? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तेरी भलाई सच बोलने में ही है, बता दे कि जेवर कहाँ छुपाए तूने, वरना तुझे इस डंडे का कमाल दिखाता हूँ। सच कह रहा हूँ। कौन है तेरे साथ और कौन कौन है? बोल बोल जल्दी। सुनो अचानक क्यों बुलाया? नजारा तो सुंदर है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। हेलो, हम दोनों इस गांव का कोना कोना घूम चुके हैं, एक भी जगह नहीं बची जहाँ नहीं घूमे। पापा मेरे लिए इंडिया के बाहर रिश्ते ढूंढ रहे हैं, अब बस तुम उनसे मिलकर हमारी शादी की बात करो। तुम्हारे पापा से बात करनी है? हाँ तो तुम वैसे भी फॉरेन जाने ही वाले हो और पापा तो वैसे भी मेरे लिए बाहर का ही लड़का ढूंढ रहे हैं। बस एक बार उनसे मिल लो, मुझे यकीन है वो इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। कोई चांस नहीं, मेरा मर्डर हो जाएगा। क्यों? उन्हें मनाना आसान नहीं है, कोई स्कीम सोचनी पड़ेगी। स्कीम किस लिए? तुम मेरे पापा को पहले से जानते हो क्या? नहीं मतलब तुम्हारे पापा, इसको कैसे समझाऊं? ये वही है ना? कौन? रुक जाओ, रोको गाड़ी। ये यहाँ कैसे टपक पड़ा, लगता है आज पोल खुल जाएगी। वो सुनो, इस लड़की को पहले कहीं देखा है? कौन हो तुम? तूने क्या बोला था मेरे पापा को? मैं क्रिमिनल हूँ, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। किससे प्यार करती हूँ बता मुझे? किससे क्या, इससे, इसी से तो प्यार करती हूँ। मैं अब इससे प्यार करने लगी हूँ, तब थोड़ी करती थी। ये झूठ मुझे मत चिपकाओ, मैं पढ़ चुका हूँ तुम्हारा लेटर। अरे रात गई बात गई, प्यार हमेशा रहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। सुन लिया झूठी कहीं की? अरे बक बक बनकर मेरी बात सुन। एक लड़की शादी के बाद दोस्त परिवार सबको भूल जाती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है, वो सपने साथ में देखते हैं, प्लान भी साथ में बनाते हैं। तुमने क्या प्लान बनाया मैं जानता हूँ, पहले इससे शादी करने वाली थी और फिर मर्डर, रॉड से खोपड़ी खोलने वाली थी, बता रहा हूँ ना, और फिर तुम दोनों सिंगापुर में सेटल होने वाले थे। चौपट हो गया ना तुम्हारा प्लान? आप सब क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे सिर्फ पूछो कि इसने मेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा। अब भी वजह पूछ रही हो, तुम दोनों जानते नहीं हो क्या? आम के बगीचे में जादू की जप्पी देना, झरने में भीगना, इसके साथ सेल्फी लेना। कौन सी सेल्फीज? चाय में इनकी गोली मिलाने वाली थी, हम दोनों की हाइट बॉडी सेम है तो प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली थी। ये गांव छोड़ के शहर जाके तुम्हें किसी सीरियल का राइटर बनना चाहिए। सारे एनआरआई एक जैसे होते हैं। अरे बाबा तुम हमसे क्या चाहते हो? चाहिए लड़की की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। चलो बेटा शुभ काम के लिए जा रहे थे, कहाँ इस कल मुंह ही का मुंह देख लिया। ए, रुक तो, तुझे क्या लगता है गांव में कोई भी लड़की तुझसे प्यार करेगी, शादी करेगी? चोरी ऊपर से सीना चोरी है। चल तुमने क्यों रोका मुझे? हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए,
अगर उससे रिश्ता नहीं टूटता तो हमारा रिश्ता कैसे जुड़ता। हाँ ये तो सही बात है, चलो चलकर पापा से बात करते हैं। ए, जरा रुको ना, इतनी जल्दी क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चट मंगनी, पट ब्याह और फॉरेन में सेटल हो जाना है, बस यही चाहिए। लक्ष्मी मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल उस सिंगापुर वाले लड़के से तुम्हारी शादी मेरी वजह से टूटी। मैं कभी लंदन नहीं गया, नौकरी तो बहुत दूर की बात है, मैं गांव से बाहर कभी गया ही नहीं हूं। यहां मेरे पास अच्छी सी नौकरी है, अच्छे दोस्त हैं जो जान देते हैं, ये मेरी जन्मभूमि है। पैसों के लालच में मैं गांव नहीं छोड़ सकता, मेरा देश मेरे लिए माँ समान है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता। बचपन से ही सनाथ को दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उन्हें इस उम्र में ऐसे नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मी मुझे गांव पसंद है, मेरे लोग पसंद है और तुम पसंद हो जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने तुम्हें पाने के लिए झूठ बोला, हो सके तो माफ कर देना। क्या हुआ भाई? सनी का फोन बज रहा है, उससे वही अच्छा? कहना जो मैंने तुम्हें कल रात कहा था। हाँ। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? अबे मैं बोल रहा हूँ रमन्ना, इतने दिनों से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ छुपा बैठा है? किसके नंबर से कॉल किया है? तू उसकी फिक्र मत कर, देख पुलिस को मेरा फोन नंबर पता है। हा? और वो ये भी जान गए हैं कि मैं लड़की बन के छुपा हुआ हूँ। अच्छा सुन, मैं यहाँ नरेश के गोडाउन में हूँ, प्लीज आके बचा ले यार। अगर ये पकड़ा गया तो मेरी बोल तो खुल जाएगी। अच्छा ठीक है, तू वहीं पे रुक, मैं आता हूँ। किस्मत फूटी है फिर भी हाथ दिखा रहा है। पंडित जी तोते से पूछे ना, मेरी शादी इसी गांव में होगी कि कहीं और होगी? आजा बेटा जल्दी से पिंजरे से बाहर आ जा और भाई साहब का भविष्य बता दे। ए, चिड़ियाघर बाद में खोलना, वो देख किसी और के साथ भाग रहा है। किसके साथ भाग रहा है? ओ इधर एक नहीं मिल रही और ये दो दो के साथ घूम रहा। अरे क्या कर रहे हो, वो मेरी बाइक है। बाप रे, ये तो सीधा झाड़ियों के पीछे ले गया। इतनी बड़ी आंटी टाइप लड़की थी कहाँ चली गई, दिख नहीं रही। चल भाई बीवी के गम में चीयर्स भरते। ये अंधा है क्या? ये क्या किया? कल एक बेड़े को चांद की टिकट बेचकर ये क्वार्टर खरीदी थी, आज उसी बेड़े को चांद से यहाँ का रिटर्न टिकट बेचकर ये चखना खरीदा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीने के प्रोग्राम खराब करने की? दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर बैठकर आराम से दारू पी रहे हो, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ए, देश की फिक्र छोड़ और जल्दी से हमारे क्वार्टर का बंदोबस्त कर। तुम लोगों को क्वार्टर चाहिए ना? तुरंत। यहाँ दो लवर आए हैं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लो, मैं तुम्हें खम्मा दिलाऊंगा। किस छोरी के पीछे? अब मैं सब कुछ समझ गया, वो तेरी बीवी है और वो उसका आशिक। तो क्या वो तेरा प्यार है? आगे ले गया। तो बहन है, तू जानता नहीं है, ये दोनों मिलके उसके पति को मारने का प्लान बना रहे होंगे। अरे मियां बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, सबके साथ होता है। अरे वो घर वाला नहीं है, बाहर वाला है। बाहर वाला? एक बात सुन बे, तुम उसे पैरों से पकड़ लेना और मैं हाथ से, फिर वो कहीं नहीं भाग पाएगा। मम्मी बचाओ। सब ठीक से हो जाएगा ना? हाँ डर मत, मैं मैनेज कर लूंगा। एक लड़की से मैरिज नहीं कर रहा और सब कुछ मैनेज करने की बात कर रहा। अरे ये तो वही लड़का है जिसने उस बेवड़ी लड़की को बचाया था। अगर भागने की कोशिश की तो इस रॉड से उसे फोड़ देंगे। मुजरिम भी वही, उसका हथियार भी वही, इनका प्लान नहीं पत्थर की लकीर है। पर मैं इन्हें किसी निर्दोष को मारने नहीं दूंगा, अभी इनकी बैंड बजाता हूँ। हेलो हवलदार साहब, कहाँ पर हैं? मैं धुलाई कर रहा हूँ, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। सर नरेश के गोडाउन के पास अश्लील हरकतें चल रही हैं, आप जल्दी आइए। अरे मुन्ना वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अब सबके पास होटल जाने के पैसे नहीं होते ना, जिसको जहाँ जगह मिलती है शुरू हो जाता। मैंने खुद लोगों को छत पर देखा है। तुम उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, बेवजह पुलिस को उंगली मत करो। उस लड़की का पति आने वाला है और उसका आशिक उसका मर्डर करने वाला है। क्या कहा, मर्डर कहाँ पर? इतना गिरा हुआ आदमी है, भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनके पति को रॉड से मारने का प्लान बनाता है और फिर सिंगापुर जाने के सपने देखता है। ये कबाब में हड्डी कौन है?
कहानी बनानी है घर जाके बना, ये मामला ही कुछ और है, हमें अपना काम करने दे। नहीं करने दूंगा, वो पहले वाली लड़की कुंवारी थी, ये किसी की बीवी है। तेरी हवस की प्यास कभी बुझती भी है कि नहीं? कितनी लड़कियां चाहिए? अबे किसने कहा ये लड़की है? देखता है, ये कोई कहने की बात है? सही कह रहा है, जो अपने पति को मारने निकली है उसे लड़की तो क्या इंसान भी नहीं बोलना चाहिए। बंद कर अपना प्रवचन। सुनो कुंवारे, लो देखो शर्ट इस्त्री करके परफ्यूम मार के इधर मरने के लिए आ रहा है। अरे अमता सुल्तान मार्शल नहीं मानेगा। तू इस मौत को समझ, मैं उसे जाकर पकड़ता हूं। पुलिस ने पूरा जाल बिछा है, आके सीधा अदालत जा। ए रुक, ए नीचे वाले बाबू गाना बजाना बंद करा बस। अरे रुक, अरे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इसको बोल खम्मा देने के लिए। नहीं नहीं खम्मा दिला। ए जिब्रू, ए रुक रुक भाग रुक, इधर इधर। सर मंदिर से सोना मैंने नहीं चुराया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, बल्कि मैं तो रमना को पहचानता भी नहीं हूँ। सर मैं तो यहाँ किसी और काम के लिए आया था। बढ़िया है, चोर भी हाथ लग गया। ए, सोने की चोरी के इल्जाम में इसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरी प्रमोशन करवाएगा। चलो हाँ बढ़ाओ, आज का धंधा पूरा हुआ। कहाँ भागता? पुलिस इसे कहाँ ले जा रही है? तुझे ले जाना चाहिए था, ये भी मिली हुई है। छोड़, न देश की लड़कियों में शराफत बची है न पुलिस में। ये हो क्या रहा है? तेरी तो सारा प्लान बर्बाद कर दिया। निकल निकल ही जाऊंगा, वैसे भी ये देश मुझे रास नहीं आ रहा है, वापस सिंगापुर ही चला जाऊंगा। यहाँ किसी और लड़की से मिलने आए थे, तू किसी और मामले में टांगड़ाने बैठ गया, हम लेट हो गए इसलिए रिश्ता हमसे निकल गया। सुनो तुम सरोजा की बेटी हो क्या? बेटे का कोई रिश्ता नहीं हो रहा और बाप अपना टाका बिठा रहा है, निकले ऐसे। चलो सब गड़बड़ हो गई, पता नहीं आगे क्या होगा। बता तूने चोरी कैसे की, इसमें और कौन कौन शामिल है बता। ये क्या? कन्ना राव ने पैसे दिए थे सर। बहुत कड़क इंस्पेक्टर है ये। क्या सर, आपका शक हमारे गांव वालों पर ही क्यों है? बगल के गांव वाले भी हो सकते हैं। बहनों के साथ क्या किया? मैंने रमना को बताए बिना कन्ना राव जी को गहने दे दिए और इस काम के लिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे सर। देखा भाई, ये मुझे फंसाने वाला था। कन्ना राव का फोन बंद आ रहा है सर। कह रहे थे केदारनाथ जा रहे हैं। नहीं, वो ये गांव छोड़कर भाग गया है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। 15 दिन पूरे होने में अभी 1 दिन बाकी है, मैं पकड़ लूंगा, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अबे यार टाइम ही बेकार चल रहा है, जाने अनजाने में सब हमारी वजह से हुआ है और दादाजी को भी बहुत टेंशन हो गई है। मुझे यकीन नहीं होता कन्ना राव ऐसा कर सकते हैं। सनी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, अब इसका क्या करेंगे? देखो भाई, मंदिर में चोरी करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि मैंने जो भी किया वो गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू भाई। अरे निखट्टू वहाँ क्या कर रहा है? कैटरीना को अंडे खिला रहा हूँ स्पेशल। हेलो नागराज जी, नया रिश्ता आया है। अच्छा, पार्टी अमेरिका में रहती है, वो लड़की देखने इंडिया में आए थे पर वो लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो लोग वापस जा रहे थे तभी मुझे आपकी लड़की की याद आई, उनके साथ मैं आपके घर पर आ रहा हूँ। इतना जल्दी मैं सारा इंतजाम कैसे करूँगा? इतने कम समय में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बेटी को तैयार करना पड़ेगा, उसे जेवर पहनाने पड़ेंगे, वो बैंक में पड़े हैं, वो लेकर आने पड़ेंगे। रहने दीजिए, वो लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, लड़की को तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके चिल्लर जितने गहनों से वो इंप्रेस नहीं होंगे, हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो पंडित जी, पंडित जी। जी सर, आपने मुझे याद किया। देखो प्रसाद, ये गोपाल शेट्टी लोन चुकाए बिना ही दुबई भाग गया, हेड ऑफिस को पता चला तो नाक में दम कर देंगे। मैं पता करता हूँ उसकी बीवी कहाँ है। ठीक है पता करो। हाँ। हेलो हेलो प्रसाद, थोड़ी देर में एक NRI फैमिली मेरी बेटी को देखने आ रहा है। क्या कहा, एक और रिश्ता आ रहा है? हाँ सही सुना, पिछली बार जैसे गहने दिलवाए थे वैसे ही आज भी दिलवा दो ना। अचानक ये रिश्ता कहाँ से आ गया, मुझे नहीं पहनना ये सब। मैं तो चाहती थी तो सोने के गहने पहने, लेकिन क्या करे, तेरे पापा ने बैंक में गिरवी रखे हैं। ये प्रसाद अब तक क्यों नहीं आया? वेलकम वेलकम, हेलो, आई एम नागराजू, माय डॉटर्स फादर। आई जरूरत नहीं है, ये हिंदी अच्छी बोलते हैं। अच्छा आपको हिंदी आती है? जी, और हिंदी ही पसंद है। आई एम शिल्पा एंड मीट माय हस्बैंड मिस्टर रमेश। आइए आइए अंदर आइए ना, आपका घर है। आइए आइए। ये अब तक जेवर लेकर आया क्यों नहीं? अरे प्रसाद, इतने सारे जेवर लेकर आ गया? ये जेवर नहीं है सर, तो? मैं मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। प्रसाद तुम ग्रेट हो। मेरी तारीफ बाद में करना, पहले अंदर चलिए। अरे आओ 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 आओ। सुनती हो, देखो कौन आया है, भवानी प्रसाद, वो जेवर इसी ने दिलवाए थे। अच्छा लड़का है,
अब जल्दी से इसे तैयार कर लो। कितनी बदनामी होगी किसी को पता चलेगा तो। टेंशन मत लो, बदनामी नहीं होने दूंगा मैं। अब जल्दी से तैयार करो इसे, जल्दी करो। मम्मी जी मुझे दीजिए ना, मैं पहना देता हूँ। मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। गले का नाप का ही है। हा? अच्छा लग रहा है, आप पहन लीजिए, खुद पहन लीजिए। नागराज जी आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। अरे वाह, मिठाई लाओ, रख दो बेटा, आप भी खाइए। ये लड़का कौन है? ये गोल्ड वाला है। गोल्ड वाला मतलब मैं सोने जैसा हूँ। समझिए, हमारा फैमिली मेंबर है, फंक्शन वगैरह के वक्त हमें मदद करने आ जाता है। रमेश, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में बताया था ना, यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए मुझे गांव का कल्चर बहुत पसंद है। ये पीकर देखिए, हमारे गांव की स्पेशलिटी है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंडियन कुरकुरे है। इंडियन कुरकुरे? तुम्हें ये भी नहीं पता कि चक्री कैसी दिखती है छोटू? बेटा वो टिश्यू पेपर नहीं है, हमारे गांव की मिठाई है, यहाँ की खासियत। ये कौन सी मिठाई है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पंडित जी वो मिठाई नहीं है, वो तो टिश्यू पेपर है। देखा रमेश, गांव के लोग कितने हंसमुख होते हैं, इसीलिए मुझे गांव के लोग पसंद हैं। भाई साहब बेटी को बुलाइए ना। बाहर आ जाओ लक्ष्मी। She looks very traditional, ना? Yeah. लक्ष्मी को बहू बनाना मतलब इस गांव की परंपरा को अमेरिका ले जाना। जी भाई साहब, हमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इसकी दुनिया तो मानो डांस और परिवार ही है। ये भी संस्कारी है। God bless you. रमेश, मैंने कहा था ना गांव के लोग कितने संस्कारी होते हैं, देखो कितनी इज्जत दे रहा है। अरे और कितने आशीर्वाद लेगा, उठ जा, उठ जा। अब मैं क्या बोलूं मालिक, मुझे कटरीना नहीं मिल रही है। कटरीना? वो बाहर कैसे आ गई? कटरीना? ये कटरीना आपकी छोटी बेटी का नाम है? अरे नहीं मालिक, नागिन का नाम है। क्या कहा, नागिन? नागिन मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। आपने एनिमल प्लैनेट नहीं देखा क्या? किंग कोबरा आंटी। ओह माय गॉड, ये मेरा कौन है? अपने घर में कोबरा कौन पालता है, ये कैसा कल्चर है? गांव के लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। नागराज जी, जरूर आपके पास इस सांप को किसी ने गिरवी रखा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है। नागिन भाग गई ना। चुप रहो। ए, जल्दी से उस मदारी को बुला। उसे पहले ही फोन कर चुका हूँ, वो बस आ ही रहा होगा। आ रहा होगा ना? हाँ, तो ठीक है। क्या मम्मी, गांव की लड़की बोल के हमें यहाँ ले आए? देखो कहाँ फंस गए, इंडिया आज भी सपेरों का देश है। ए, मैं अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। सुन, अमेरिका में कुत्ते बिल्ली अजगर मगरमच्छ सब कुछ पालते कि नहीं, फिर बोलना बंद कर। कटरीना, वो बाहर कैसे आई मालिक? कैसे आई, क्यों आई, उसी से पूछना पहले, उसे पकड़ दो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप, वो बिल्ली या कोयल नहीं है, जितने आसानी से मिल जाएगी, किंग कोबरा काट लेगी। अरे जल्दी से ढूंढो। हेलो प्रसाद, कीर्ति और उसका पति बैंक आए हैं, उनके गहने तो लेके गया और उन्हें अपना सोना अभी के अभी निकालना है। मैं उन्हें क्या कहूँ? आधा घंटा उन्हें बिजी रख, मैं सब निपटा के पहुँचता हूँ। कल से तुम अपना सोना। 10 मिनट रुकिए, वो आ रहा है। देखा, वो कह रहा है 10 मिनट में आ रहा है। जल्दी कोई उस नागिन को पकड़ो, वरना इस बेताल के बोझ तले मैं मर जाऊंगा। 50,000 रूपए लगेंगे। क्या 50,000 रूपए? 30,000 रूपए उसे पालने के लिए और 50,000 उसे पीछा छुड़ाने के लिए, क्या जबरदस्ती है। अरे बाबा, पैसों की बात बाद में करना, पहले उसे पकड़ना जरूरी है। हम बाहर इंतजार करते हैं। वहीं बैठी रहिए, ये 50,000 मांग रहा है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हैं, सही दाम लगाओ। रमेश, पैसे इनके मुंह पे मारो। जाना, पैसे आप दे रहे हो? ये इनके पैसे, आप अच्छा, अब नागिन तो चली गई। आप क्या कह रहे थे, गांव के लोग कैसे लगते हैं आपको? जस्ट शट अप, हम ये रिश्ता बिल्कुल नहीं करेंगे। और असल बात तो ये है कि इस गांव में हम कभी नहीं आएंगे। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। अरे अरे सुनिए, इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया था, आपने सब गड़बड़ कर दिया। छे, कोई सांप घर में रखता है? अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी है। प्रसाद, सांप को बताकर बाहर आना चाहिए ना। ए जी मालिक, सांप अपनी टोकरी से बाहर कैसे आया? मालिक आप मुझे कुछ अपड़ मार रहे, ये रिश्ता तोड़ के मुझे क्या फायदा मिलेगा? करण दीदी के पीछे हाथ तो अमेरिका वाली पार्टी वापस गई ना? नालायक, सांप को तूने बाहर छोड़ा, रिश्ता खराब करके अब तू मुझे दांत दिखा रहा है। छोड़ूंगा।
अरे रुको रुको रुको, वो देखो उधर। मैं हूँ तो कोई एरा गेरा तुम्हें लेकर कैसे जा सकता है बताओ मुझे। उस सांप की वजह से काफी फायदा हो गया हमारा। मैंने ही सांप को टोकरी से बाहर निकाला। क्या सच में तुमने ही उसे बाहर निकाला था क्या? मैं तुम्हारा वहाँ रिश्ता तोड़ने आया था। तुम्हारे बेचारे बाप को लगा कि मैं उसके गहने लौटाने आया हूँ। हेलो, जब गांव के लोग मुझे लालची और कंजूस बोलते थे तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। उल्टा मुझे अच्छा लगता था कि ये सब मैं बचा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। तेरे पापा ने अपने लिए पैसे नहीं कमाए और ना ही मेरे लिए कमाए हैं, तेरे लिए कमाए हैं। तूने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मानती हूँ कि आपको प्रसाद के बारे में नहीं बताया मैंने, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? अब से मैं तेरे लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढने वाला। तेरी शादी तय हो गई है, इस नरसिम्हा से होगी तेरी शादी। ध्यान से सुनो, शादी होने तक ये लड़की इस कमरे से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर गई तो तुम्हारी खैर नहीं। पापा, पापा। ये लीजिए आपके गहने। ये क्या, अभी अभी ये किसी ने पहना था क्या? इसमें गजरे के फूल अटके हुए हैं। बात ये ना कि हम टाइम टू टाइम सोने की पूजा करते हैं, इसलिए फूल चढ़ गए होंगे। तो फिर थोड़े और फूल ले आते, मैं भी अपने बालों में सजा लेती। नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे मैडम। चलो पूरा हार सजा लेना। मुझे नहीं लगता हम ये नाटक और कर पाएंगे। सही कहा, जब से नागराज का सोना इस्तेमाल किया है मुसीबतें और बढ़ती जा रही है यार। नरसिम्हा, मेरी कनक से इस लड़ाई का साले। चल, चल। मुझे धोखा दिया तूने, मुझे धोखा दिया तूने। नागराजी, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये एक बैंक है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? ए नरसिम्हा, छोड़ना मत उसे। सर सर, नागराज जी, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दीजिए इसे प्लीज। तुम बीच में मत बोलो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। ये दो कौड़ी का लड़का मेरी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा था। सारे अच्छे रिश्ते खराब करके खुद मेरा दामाद बनने चला था। किसी को एक रुपया देने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ। तो अपनी बेटी की शादी इससे ऐसे ही करा दूंगा? मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। ए नरसिम्हा, इसे पूरे गाँव के सामने ले जाकर मारो। चल बाहर, चल चल। सर सर सर, इसे रोकिए सर, देखिए मर जाएगा ये, प्लीज। हट हट हट, अरे रुको, छोड़ो, रुको, अरे रुको। भाई माँ, मैनेजर साहब, मैंने अपना सोना आपकी बैंक में इसलिए रखा था कि मुझे बैंक पर भरोसा था, लेकिन देखिए इसने क्या किया। अगर ऐसा आदमी बैंक में काम करता है तो बैंक के लिए ही नहीं पूरे गांव के लिए शर्मिंदगी की बात है। मैनेजर साहब, 2 दिन में मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरा सोना चाहिए, दे दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। सुना तुमने, तुम इस बैंक के नाम पे कलंक हो। अगर हेड ऑफिस को पता चला ना तो तुम्हारे साथ साथ इन सब की भी नौकरी जाएगी। इसी वक्त इनका सोना लौटा दो। तन्मय, चलो इस काम पे लग जाओ। सर जी, अंदर चलकर बैठिए। आइए। प्रसाद बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे गांव के सामने इसने हमें शर्मिंदा कर दिया है। आप हमेशा कहते हैं हम शर्मिंदा करते हैं, अब क्या कहोगे इस लाडले के बारे में? इसके खिलाफ एक शब्द ही और कहा तो तुम दोनों को मार दूंगा मैं। गुनहगार तो मैं हूँ, ये तो परिवार की इज्जत बचाना था। और कुछ मत बोलिए, आप इनके साथ घर जाइए, मैं बाद में आता हूँ। जाइए जाइए दादा। मैनेजर साहब जी, ये लीजिए बैंक के पैसे। प्रसाद सर, इनके गहने बाहर निकालो। ठीक है सर। हाँ।
सॉरी यार, ये सब मेरे आईडी की वजह से हुआ। नहीं, मैंने जो किया वो देवी माँ को मंजूर नहीं है, शायद इसीलिए वो मुझे सजा दे रही है। सुन, मैं सबको सच बता देता हूँ। यार तुझे पता है ना, अगर अभी तू जाके सच बताएगा तो क्या होगा? इतनी देर क्यों लग रही है? बस आते ही होंगे, जल्दी आओ प्रसाद। आ रहे हैं सर। चलो जल्दी करो, एक बार फिर सोच ले। दोस्त, तूने सगे भाई से ज्यादा मदद की है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी जाए। सारे इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ दादाजी की। उन्हें लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जब उन्हें पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। अरे प्रसाद। सर, आ रहा हूं सर, जल्दी। तू खाली हाथ बाहर आया, सोना कहाँ है? इसका जवाब तो तुझे देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, कहना क्या चाहते हैं? मंदिर से चुराए हुए गहने तूने ही से खरीदे थे ना? मैंने वो जीवन नागराज के हाथों बेचा। सुना? एक मिनट सर, क्या रे, वो देवी माँ का सोना था, ये बात तूने मुझे बताई थी क्या? तूने कहा था वो तेरा खानदानी सोना है, तुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, मुझे लगा तू सच कह रहा है इसलिए तुझसे सोना खरीदा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इससे सोना खरीदा क्योंकि वो सस्ते दामों पर मिल रहा था, पर कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं जानता था वो देवी माँ का सोना है। पहले मुझे बता वो सोना छुपा कर कहाँ रखा है, इसे जेब में डालो रे, चलो जल्दी चलो। अगर उन्हें नागराज जी के घर पर सोना मिल गया तो हम भी फंस सकते हैं। मैं नहीं जानता कि माँ कैसी दिखती थी, मैं तो बस आपको देखकर बड़ा हुआ हूँ। आपके साथ दुख बांटे, खुशियां बांटी। मेरे दादा को अपने बेटे और बहू की जान बचानी थी, इसीलिए उन्होंने आपके गहने इस्तेमाल किए। वो ना तो उन्हें बचा पाए, ना ही कभी आपसे आंखें मिला पाए। अब हमें क्या सजा मिलनी चाहिए इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप ही फैसला कीजिए और इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए। हेलो, क्या हुआ? दादाजी, क्या हुआ दादू? प्रसाद, कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भागकर यहाँ आ जाऊँ। ये क्या बोल रही है बेटा? हाँ दादू, ये सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुनो लक्ष्मी, कल तक मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन आज मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। अपने पापा की बात मान लो, तुम खुश रहोगी। कैसे खुश रहूंगी, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जानती हूँ। पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ कमा के रखा था, सारा तो नहीं लेकिन थोड़ा यहाँ लेकर आई हूँ। ये क्या सुना, इसके अंदर है? निकाल। ये मेरे हिस्से का सोना है। ये क्या? क्या सोना इसी में रखा था? देवी माँ के गहने दादाजी। ये गहने घूम फिर कर हमारे पास आ गए। लक्ष्मी, ये वही सोना है जो गांव के मंदिर से चोरी हुआ था। क्या? इसमें तो चिट्ठी है। अरे बाप रे, मेरी बेटी की चिट्ठी है। ये क्या? इंस्पेक्टर साहब, नागराज जी की बेटी और मंदिर के गहने दोनों मेरे पास हैं। क्या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा तुजा मंगलम पुत्री काक्षाय मंगलाय तनोहरी। या
देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मैं तो सिर्फ आपके गुस्से का हकदार था, पर आपने मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी माँ। मैं अपने पैसे तो वैसे ही गवा चुका हूँ, कम से कम मेरी बेटी तो मुझे लौटा दो। शांत हो जाओ, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, प्रसाद से अच्छा दामाद तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रसाद सिर्फ सोनार का काम ही नहीं करता, उसका दिल भी सोने का है। अब तो इनकी एक बात भी नहीं सुनूंगी, फैसला मेरा होगा। तुम भी सुन लो, इस घर का दामाद प्रसाद ही बनेगा। रुकिए पंडित जी, मुझे बस एक बात कहनी है। बेटा प्रसाद, बैंक जाकर मेरा सोना ले आओ, मैं इसी वक्त तुम दोनों की शादी करा दूंगा। ये फिर से अपने गहने मांग रहा है। गहने किस लिए ससुर जी? कैसी बात कर रहे हो बेटा, हम दामाद को कुछ नहीं देंगे। अच्छा हाँ। तो वो सोना मैं अपनी बीवी को देना पसंद करूंगा। आप ही का फॉर्मूला अपनाऊंगा, 10% ब्याज पर पैसे उठाऊंगा और 25% में दूंगा। ऐसा क्या? सोना बैंक में सुरक्षित रहेगा और पैसे घर पे आते रहेंगे। प्रसाद एक बात कहूँ बेटा? दो कहिए। तुम मेरे लिए गोल्डन बॉय हो। आई लव यू राजा। आई लव यू टू।